हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 8 प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। आज हम इस वीडियो के अंदर अपना चैप्टर नंबर 8 प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को फुल्ली कवर करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले जो 6th और 7th चैप्टर है वो कवर नहीं किया तो पहले आप 6th और 7th चैप्टर की वीडियो को वॉच करके आ जाइए, क्योंकि जो इस चैप्टर के अंदर आपका क्या है, आपको जो चैप्टर नंबर 6 क्या कॉस्ट और चैप्टर नंबर 7 रिवेन्यू, ये दोनों चैप्टर इस वीडियो के अंदर या फिर इस चैप्टर के अंदर आपका एक मेजर रोल प्ले करते हैं। हम इस वीडियो के अंदर जो कॉस्ट और रिवेन्यू का रिलेशनशिप है वो देखने वाले हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। आप पहले, अगर आपको ये जो चैप्टर क्लियर नहीं होंगे, चैप्टर 6 और चैप्टर 7 क्लियर नहीं होंगे, तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी क्लियर नहीं होने वाली है, ठीक है। पहले आप चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 कॉस्ट और रिवेन्यू का चैप्टर जो है कम्प्लीटली, उसकी जो थ्योरी है, उनकी जो डेफिनेशन है, उनके जो रिलेशनशिप्स है वो आप कवर करके आ जाइए, तभी आपको जो प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम है वो आपको समझ में आने वाला है। अब हम देख लेते हैं आपको क्या पढ़ने वाला है इस वीडियो के अंदर। हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट किसे बोलते हैं, ठीक है। आपको वैसे तो आपको बेसिकली पता होगा कि प्रॉफिट क्या होता है, जो आपके पास बिजनेस है उसके पास जो पैसे आते हैं, किस कौन से पैसे आते हैं, जो एक्सपेंसेस काट के आते हैं, जो एक्सपेंडिचर जो काट के आपके पास जो पैसे बचते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। जो प्रोड्यूसर के पास बचते हैं, जो अपने घर पर लेके जा सकता है वो पैसे, जो एक्सपेंडिचर, जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो आपका कट चुका है आपके रिवेन्यू के अंदर से, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। फिर हम पढ़ने वाले प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होता है जहां पर आपका जो प्रोड्यूसर है वो एक ऐसी सिचुएशन पर हो कि वो ना तो ज्यादा प्रोडक्शन कर पाए और ना ही कम प्रोडक्शन कर पाए। अगर वो कम प्रोडक्शन करेगा तो वो इक्विलिब्रियम सेट जाएगा, और अगर ज्यादा प्रोड्यूसर ज्यादा प्रोडक्शन करेगा तब भी उससे इक्विलिब्रियम सेट जाएगा। मींस कहने का क्या मतलब है, जहां पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा हो, कि जहां पर उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा हो, वो क्या है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बोलते हैं उस सिचुएशन को। जहां पर अगर आप एग्जांपल ले आता है, एक प्रोड्यूसर है वो क्या करता है, वो एक ऐसी सिचुएशन पर है, एक ऐसी सिचुएशन पर है जहां पर वो जो प्रोडक्शन है वो कितना कर रहा है, आप 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहा है और उसको उससे जो उसका जो प्रॉफिट मिल रहा है उसको 1000 यूनिट्स का मिल रहा है। अगर वो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन जो बढ़ा दे, अगर वो क्या 110 का कर दे, तो उसका जो प्रोडक्शन जो उसका प्रॉफिट है वो 900 हो जाए। और जब वो प्रोड्यूसर जो प्रोडक्शन वो कम कर दे, अगर मान लीजिए 90 कर दे, तो उसका जो प्रोडक्शन है वो कितना हो जाए, वो फिर से 90 हो जाए, 900 हो जाए, ठीक है। आयो को आपको क्लियर होगा ये जो सिचुएशन है आपकी क्या है, जहां आपको इस आउटपुट पर जो उसका प्रोड्यूसर आपको क्या मिल रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है, या आपकी सिचुएशन होगी आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है। इसकी कुछ कुछ क्या होती है, इसकी सिचुएशन होते हैं वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, जो हम सिचुएशन को कंसिडर करने वाले हैं जब हम प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम को देखेंगे, सॉरी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को देखेंगे, तो आपकी कुछ सिचुएशन होगी जो कि हम आगे पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे मार्जिनल रिवेन्यू और कॉस्ट रिवेन्यू की अप्रोच। इसलिए मैंने आपको बोल दिया जब चैप्टर 6 और चैप्टर 7 को कवर करके आइए, क्योंकि चैप्टर 6 के अंदर हमने कॉस्ट पढ़ा है और चैप्टर 7 के अंदर हमने रिवेन्यू पढ़ा है। और अब हम इसके अंदर किसकी बात करें, रिवेन्यू और कॉस्ट की, तो बात करें मार्जिन रिवेन्यू और मार्जिन कॉस्ट के अप्रोच देखने वाले हैं, कि मार्जिन रिवेन्यू और मार्जिन कॉस्ट के अप्रोच से आपका जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वो कैसे पहुंचता है, ठीक है। फिर हम देखने वाले टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच से, टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच से आपका जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वो कब इक्विलिब्रियम पर पहुंचता है आपका प्रोड्यूसर, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। पहले आप चैप्टर 6 कॉस्ट और चैप्टर नंबर 7 रिवेन्यू कंप्लीटली देख के आइए, उसको बिल्कुल अच्छे से समझ के आइए, तभी आपका चैप्टर जो है कवर होने वाला है, क्लियर होने वाला है। अब हम देख लेते हैं हम क्या पढ़ेंगे। स्टार्टिंग वाला क्या आपका फर्स्ट वन इज मीनिंग ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ रिसीप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स ओवर द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द प्रोड्यूसिंग देम। प्रॉफिट क्या है, एक एक्सेस ऑफ रिसिप्ट है। अभी रिसिप्ट क्या होता है, रिसिप्ट होता है अगर आप कोई, अगर आपका जो आउटपुट है, आउटपुट उसको आप सेल करते हो, अगर आप आउटपुट है उसको सेल करते हो, मान लीजिए आपको 100 यूनिट्स जो आपने सेल कर दिया है उसकी जो रुपीज थे वो कितना था, एक जो एक यूनिट का जो पैसा था, जो मतलब हमने 100 यूनिट सेल किए हैं तो एक रुपीज एक यूनिट का कितना रुपीज थे, 10 रुपीज थे, ठीक है। तो कितना हो गया आपका टोटल, मल्टीप्लाई कर दे तो आपको 1000 यूनिट्स क्या हो गया, आपकी सेल हो गई, मीन्स क्या हो गया आपका 1000 रुपीज आ गया। अब ये जो 1000 रुपीज आई है क्या आपकी रिसिप्ट है, ये क्या आपकी रिसिप्ट है। और ये रिसिप्ट कैसे आई है, ये रिसिप्ट आपको मिली है सेल ऑफ गुड्स, आपकी गुड्स को सेल करने से, मीन्स आपका आउटपुट जो था 100 था, आपकी गुड्स कितने थे 100 थे, एक गुड कितने का था 10 रुपीज का था। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो आपकी कितना आ जाएगा, 1000 रुपीज जो आपने अर्न कर लिया है, ठीक है, वो क्या आ गया आपकी रिसिप्ट हो गई है, आपका जो गुड है उसको सेल करके। लेकिन इसके अंदर बोला गया कि ओवर द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन
प्रोड्यूसिंग देम। ये एक्सपेंडिचर क्या है, इसके अंदर बोला गया है कि आपका जो है, अगर हम एग्जांपल ले, आपकी क्या, आप बिस्किट बनाते हो, क्या बनाते हो बिस्किट, अगर हम बिस्किट का एग्जांपल ले तो आपको क्या है, आपका जो हम जो बिस्कुट सेल कर रहे हो कितने रुपीज का कर रहे हैं, 10 रुपीज का सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब बिस्कुट सेल कर रहे हैं 10 रुपीज का, और इस 10 रुपीज को हम सेल कर रहे हैं, आपका जो बिस्कुट है वो कितना पड़ रहा है, 5 रुपीज का पड़ रहा है। 5 यूनिट्स का कैसे पड़ रहा है, अगर हम माने कि आपका जो रॉ मेटेरियल और इसको शिपिंग, रॉ मेटेरियल हो गया, शिपिंग हो गया, लेबर की जो फीस होगी, आप सब कुछ मिला के आपको कितना पड़ रहा है बिस्किट, 5 रुपीज का पड़ रहा है, ठीक है। कितना पड़ रहा है, 5 रुपीज का पड़ रहा है, और मार्केट के अंदर आप इसको कितने का सेल कर रहे हो, 10 रुपीज का सेल कर रहे हो, मीन्स आपका प्रॉफिट कितना होने वाला है, 10 के अंदर से 5 को माइनस कर दो तो आपका 5 रुपीज का क्या आ गया, इधर प्रॉफिट हो गया। ये कैसे प्रॉफिट हो गया, इसके अंदर से आपने सारा एक्सपेंडिचर जो है ऑलरेडी माइनस कर दिया है। एक्सपेंडिचर क्या है, ऑलरेडी माइनस था, एक्सपेंडिचर क्या था, 5 रुपीज था, रॉ मेटेरियल का, शिपिंग का, लेबर की कॉस्ट, सब कुछ मिला के 5 रुपीज आपका एक्सपेंडिचर आ रहा था। एक्सपेंडिचर को आपने किससे माइनस कर दिया, जो उसका सेल प्राइस है, हमने जो गुड सेल किया है उससे माइनस कर देंगे तो आपका 5 रुपीज इधर क्या आ गया, आपका प्रॉफिट आ गया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया, ये 5 रुपीज आप घर पर लेके जा सकते हो, मींस आपकी ये पॉकेट में आने वाला है 5 रुपीज, ठीक है, प्रॉफिट आ गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट देख लेते, नेक्स्ट क्या होता है, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। अब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वैसे तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कब होता है, जब वो मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर रहा था, क्या गेन कर रहा था, मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर रहा होता, कौन गेन कर रहा था, प्रॉफिट प्रोड्यूसर गेन कर रहा था, ठीक है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू डेट प्राइस एंड आउटपुट कॉम्बिनेशन विच ब्रिंग्स मैक्सिमम टू द प्रोड्यूसर, मैक्सिमम प्रॉफिट टू द प्रोड्यूसर। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल, अगर हम आपका जो आउटपुट है और जो आपके रुपीज है प्राइस है, अगर हम देखिए जो आपका आउटपुट है, अगर हम देखिए इधर क्या आ रहा है आपका आउटपुट, 1, 2, 3, 4 और 5, प्राइस आपका कितना है, प्राइस अगर हम देखें आपका प्राइस भी ऐसे ही है, कितना है आपका प्राइस, 5 है, ठीक है। आपका प्राइस क्या है, बिस्किट का प्राइस कितना आपका 5 है। आप क्या आउटपुट सेल, आपका आउटपुट क्या, आपकी सेल है, कितनी यूनिट आप सोल्ड कर रहे हो, आप 1 यूनिट सोल्ड कर रहे हो, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट और 5 यूनिट, और प्राइस कितना था उस यूनिट का, 5, 5, 5, 5, 5 ही रहने वाला है। अभी आप अगर देखो आपका जो प्रोड्यूसर है वो इक्विलिब्रियम पर कब होने वाला है, इक्विलिब्रियम पर आपका प्रोड्यूसर होने वाला है जब आपका आउटपुट और आपके प्राइस का जो कॉम्बिनेशन है वो मैच कर जाए, एक ऐसा कॉम्बिनेशन जहां पर आपका प्राइस किसके इक्वल है, आउटपुट के इक्वल है, और जहां पर उसका मैक्सिमम जो प्रॉफिट मिल रहा है प्रोड्यूसर को, ठीक है, विच ब्रिंग्स मैक्सिमम प्रॉफिट टू द प्रोड्यूसर, ठीक है, वो आपका क्या है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होता है। अभी हम देखिए आपका आउटपुट 1 है, प्राइस आपका 5 है, इधर तो कोई मैच नहीं कर रहा क्योंकि इधर 1 है और इधर 5 है, फिर ऐसे इधर 2 है और इधर 5 है, कोई मैचिंग नहीं है, 3 है और 5 है, इधर कोई मैच नहीं है, 4 है और 5 है, इधर भी कोई मैच नहीं है। अभी हम देखते हैं इधर क्या है, 5 है और 5 है, ये आपका क्या परफेक्टली कॉम्बिनेशन है, आपको क्या है कॉम्बिनेशन मिल रहा है, आपको मैच करा कॉम्बिनेशन, तो ये क्या इधर प्रोड्यूसर जो है अब उसके क्या है जो मैक्सिमम प्रॉफिट पर है, इधर क्या मिल रहा है प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन अगर आप देखो इसके अंदर आगे भी बोला गया है प्रॉफिट डिक्लाइन एज मोर इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, अभी क्या बोला गया इसके अंदर प्रॉफिट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, जितना आप प्रोडक्शन बढ़ाते जाओगे उसका प्रोडक्ट का, उसका प्रॉफिट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। ये क्यों कम होता है, बिकॉज ऑफ एलवीपी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या बोलता है कि हम वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है, जो हम वेरिएबल फैक्टर्स है उनको बढ़ाते जाए और जो आपका फिक्स्ड फैक्टर है उसको बढ़ाते जाए और आपका जो फिक्स्ड फैक्टर है उसको क्या करते हैं कॉन्स्टेंट रखे, उसको क्या करके कॉन्स्टेंट रखे, ठीक है। आपका वेरिएबल जो फैक्टर्स है, वेरिएबल फैक्टर क्या होता है, आपका लैंड क्या होता है, लेबर होता है। अगर हम अगर देखिए हम लेबर को क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, और अगर जो फिक्स्ड फैक्टर वो आपका सेम एक ही है, ठीक है, कॉन्स्टेंट है, तो आपका जो प्रॉफिट है वो क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा, जितना प्रोडक्शन बढ़ाते जाओगे उतना आपका जो प्रॉफिट है वो कम होने लग जाएगा। इसका एग्जाम्पल अगर हम ले, तो हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपको पता है कि जो आपका एक मशीन है आपके पास क्या है, एक मशीनरी है, आपके पास ओनली 1 मशीन है आपकी फैक्ट्री के अंदर, और आपकी जो लेबर है, आपकी लेबर कितनी है, आपकी लेबर भी 1 है, एक मशीनरी के ऊपर 1 लेबर है, ठीक है। अब भी आपको क्या करना होगा, प्रोडक्शन बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आप मशीनरी तो बढ़ा नहीं सकते हो, कि अगर आपको बोला जाए कि आपका जो है, आपके बिस्किट आप पहले 100 प्रोड्यूस कर रहे थे, आपको 200 प्रोड्यूस करने हैं, तो ऐसा तो नहीं कि आप मशीनरी दूसरी लेके आ जाओगे, आप क्या करोगे, आप लेबर बढ़ा दोगे,
आप क्या कर दोगे, आप लेबर बढ़ा दोगे इसके ऊपर। तो अगर आपने वन मोर लेबर बढ़ा दी तो आपका कितना होगा, 200 का प्रॉफिट जो गेन होगा। इसका 200 क्या होगा, प्रोडक्शन अचीव हो गया। फिर अभी आपको बोला गया कि आपको कितना अचीव करना है, आपको आपको 500 अचीव करना है। ठीक है, आपको बिस्किट कितना प्रोड्यूस करना है, 500 बिस्किट जो यूनिट्स का प्रोड्यूस कर लिया है। अभी आपको पता है जो 200 है उसके 500 को लेके आने के लिए आपको लेबर की ज्यादा लगने वाली, नीड लगने वाली है। तो आप उसके लिए बढ़ाते जाओगे कितना, आप एक और लेबर ले आओगे। ठीक है, फिर आप एक और लेबर ले आओगे, तब कितना होगा, 500 का जो है अचीव हो गया। अभी क्या हुआ, आप सेल्फिश हो गए कि आप जितने लेबर बढ़ाते जा रहे हो उतना का जो क्या है प्रोडक्शन, जो है प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन अभी आपको बोलना, अभी आपको ध्यान में रखना कि आपका जो मशीनरी है वो एक ही है। अभी आप इसके ऊपर एक और लेबर पर लेके आ जाओगे ताकि आपका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए। ठीक है, आपका प्रोडक्शन अगर आपका बढ़ जाए आप इसलिए आपको एक और लेबर पर ले आओ। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी इनके जो लेबर्स के बीच के अंदर है, लेबर के बीच के अंदर क्या हो गया है, इंट्रैक्शन जो है वो होने लग गया, स्टार्ट होने लग गया। मीन्स वो बातें करने लग गए, बीच में लड़ाइयां करने लग गए एक ही मशीनरी आपके ऊपर। तो क्या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जो है वो नहीं हो रहा है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन आपका कब हो रहा था, जब ओनली 3 लेबर थे तब आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा था एक मशीनरी का। लेकिन अब आप 4 लेबर लेके आ गए तो आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा आपके जो रिसोर्सेज है उनका। ठीक है, इसीलिए आपका जो प्रॉफिट हो क्या लग जाएगा, कम होने लग जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपने जो रिवेन्यू वाला चैप्टर है और कॉस्ट वाला चैप्टर है उसके अंदर आपने पढ़ा होगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा हुआ तो मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, कौन से लॉफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके अंदर आपको डीपली क्लियर किया गया आपको। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या आपका, देर आर 2 मेथड ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। अभी क्या मेथड है आपकी, 2 मेथड है जिससे आप डिटरमाइन कर सकते हो किसको, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को। पहला मेथड क्या आपका, टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। आपकी कौन सी अप्रोच, टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग आप क्या बता सकते हो, आप डिटरमाइन कर सकते हो किसको, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को। ठीक है, सेकंड अप्रोच आपकी कौन सी होने वाली है, मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच होने वाली है। अभी हम अगर देखें टोटल रिवेन्यू क्या होता है आपका, टोटल रिवेन्यू आपका होता है आउटपुट, आपका टोटल रिवेन्यू होता है आउटपुट मल्टीप्लाई बाय में प्राइस, टोटल टोटल रिवेन्यू होता है आपका प्राइस मल्टीप्लाई बाय में आउटपुट। कितना होता है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय में आउटपुट। ठीक है, आई होप भी क्लियर होगा। और आपका आउटपुट जो है, आप जो प्रोड्यूस कर रहे हो आउटपुट कितना प्रोड्यूस कर रहे हो, आप 10 प्रोड्यूस कर रहे हो और आप फिर 20 प्रोड्यूस कर रहे हो, आपका जो प्राइस है वो कितना है। अगर मैंने प्राइस आपका कितना 10 है और इधर भी 10 है तो आप इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल रिवेन्यू आ जाएगा। मीन्स 10 को मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो आपका कितना आने वाला, 100 आने वाला है। फिर आप 20 का करोगे तो 200 आने वाला है। आई होप आपको क्लियर होगा कि आपका टोटल रिवेन्यू मीन्स आपके आउटपुट को आप मल्टीप्लाई कर दोगे अपने प्राइस के, मीन्स आपने जितनी सेल करी है और उसका जो प्राइस है सिंगल यूनिट का जितना प्राइस है, ये आपने टोटल कितना आउटपुट सेल किया है, 10 यूनिट्स का आउटपुट जो है वो सेल किया, यूनिट सोल्ड आपका कितना है 10 यूनिट्स है, उसको उसको मल्टीप्लाई कर दोगे एक यूनिट के प्राइस से, एक यूनिट के प्राइस कितना आपका 10 है तो मल्टीप्लाई कर दो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 तो आपका कितना आ जाएगा, 100 यूनिट सोल्ड हो गया। जो आपकी यूनिट सोल्ड हुई 10, लेकिन आपका जो रिवेन्यू आने वाला कितना आने वाला, 100 आने वाला है। आपको जो टोटल रिवेन्यू वो आपका समझ में आ गया, टोटल रिवेन्यू क्या होता है। फिर क्या आपका टोटल रिवेन्यू, टोटल कॉस्ट अप्रोच। टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट होता है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको कितनी कॉस्ट लगी है, उसके अंदर आपको कितनी कॉस्ट जो है लगी है। अब टोटल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट कहां पर चलता है, टोटल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट पीछे चलता है, पीछे मीन्स जो आपका आउटपुट है, आपने 10 यूनिट सोल्ड की है लेकिन इस 10 यूनिट को बनाने के लिए आपको कितनी कॉस्ट लगी है, आपको जो कितनी कॉस्ट लगी है। ठीक है, आपका जो प्राइस है कितना आपका 10 है, एक यूनिट का प्राइस कितना आपका 10 है। ठीक है, अभी इस 10 यूनिट का जो प्राइस रखा आपने, जबका जो प्रोडक्ट है वो कितने रुपीज का, 10 रुपीज का, इसके पीछे आपकी कॉस्ट कितनी लग गया, कॉस्ट आप किससे डिटरमाइन करते हो, रॉ मटेरियल हो गया आपका, रॉ मटेरियल कितना लगा है। ठीक है, आपकी लेबर कितनी लगी है, आपका अदर एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस कितने लगे हैं, आपकी मिसलिनियस एक्सपेंसेस कितने लगे हैं, ये आप जब ऐड कर दोगे, ये सारे जब ऐड कर दोगे तो आप क्या निकालने वाले हो, आप निकालने वाले हो कि आपके जो एक जो प्रोडक्ट आप जो प्रोड्यूस कर रहे हो उसके ऊपर आपका जो कितना है, कितनी कॉस्ट आपकी लगने वाली है, टोटल कॉस्ट आपकी कितनी लगने वाली है। ठीक है, एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। यह क्या होती है आपकी टोटल कॉस्ट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल कॉस्ट बोलते हैं। कॉस्ट क्या होती है आपकी, आपका कितना कितने रुपीज आपको लगने वाले, कितनी कॉस्ट आपको लगने वाली है एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में। ठीक है, उसको बोलते हैं टोटल कॉस्ट बोलते हैं। तो एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में आपकी क्या, जितनी कॉस्ट लगती है उसको हम ऐड कर देंगे, जितनी भी आपने जो आउटपुट है वो
प्रोड्यूस किया, मीन्स आपने अगर 10 आउटपुट प्रोड्यूस किए हैं और एक आउटपुट के एक एक यूनिट को निकालने के लिए आपको 5 यूनिट्स जो है 5 यूनिट्स की आपकी कैलोरी कॉस्ट लग रही है, तो आप क्या कर दोगे इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, आपने 10 किया है तब 10 कर दो इधर की आपकी कितने लग जाए आपकी 50 जो है टोटल कॉस्ट आ गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है? मार्जिनल रिवेन्यू होता है आपका, आपने एक जो प्रोड्यूस किया है, आपने अगर एक आपने क्या कर रहे थे, पहले जो है आप पहले कितने यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, कितने आउटपुट सोल्ड कर रहे थे, आप 10 आउटपुट सोल्ड कर रहे थे, आप कितने सोल्ड करने लगे, आप 20 सोल्ड करने लगे हो। ठीक है, इनके बीच का जो कितना गैप आपका 10 का गैप है, मीन्स अगर आपने एडिशनल में कितना आपने एडिशन कितना किया है, आपने 10 आउटपुट जब आपने सोल्ड किया, ठीक है, तो आपको कितना रिवेन्यू जनरेट हो रहा है उससे, आपको कितना रिवेन्यू उससे जनरेट हो रहा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल रिवेन्यू बोलते हैं। अगर हम वन मोर एडिशन करते हैं, अगर हम एक और एडिशन करते हैं किसके अंदर, आउटपुट के अंदर, तो उससे आपका कितना रिवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, कितना एडिशनल रिवेन्यू जो है आपका इंक्रीज हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल रिवेन्यू बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देख लेते हैं मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। मार्जिनल कॉस्ट आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, अगर हम देखिए कि आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है, अगर आपका जो पेन है उसका प्राइस कितना था, पहले आपका 10 था और उसका जो प्राइस आपने बाद में कितना कर दिया, आपने 11 कर दिया। ठीक है, अभी ये क्या है, आपका जो वन जो आपका प्राइस बढ़ा है, ये वन क्या आपका एडिशनल यूनिट है, क्या होता है एडिशनल यूनिट है, इसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। क्या है इसको, मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। लेकिन आपका जो आउटपुट है, पेन तो आपका कितने सोल्ड कर रहे थे आप, 10 और 11 कर रहे थे, लेकिन उससे जो आपका जो कितना आपका जो प्रॉफिट हुआ है, या फिर आपका जो क्या है, आपको जो रिसीव हुआ है, जो आपका अमाउंट क्या रिसीव हुआ है, मार्जिनल जो आपका क्या होता है टोटल कॉस्ट होती है, आपकी टोटल कॉस्ट कितनी होने वाली है। जब आपने पेन कितना किया, अगर हम देखें आपका जो पेन है वो 10 है, 10 का था और फिर आपने 11 का कर दिया, आपके टोटल कॉस्ट के अंदर से अगर आप माइनस कर दोगे, 11 के अंदर से अगर आपको 10 माइनस कर दोगे, तो कितना आ गया आपका 1 आ गया। ये 1 क्या होने वाले, आपकी मार्जिनल कॉस्ट होने वाली, क्या होने वाली, आपकी मार्जिनल कॉस्ट होने वाली। आपको जो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसकी अप्रोचेस, देख लेते हैं इसकी कैसे हम इसको जो डिटरमाइन करने वाले हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को निकालने में, ठीक है, इनको कैसे हेल्प हम लेने वाले हैं। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट इज प्रोड्यूसर कैन अटेन द इक्विलिब्रियम लेवल अंडर टू डिफरेंट सिचुएशन। अभी आप जो अपने डिटरमिनेशन देखा वो तो क्या थे आपके, ये तो थे आपके जो टू मेथड्स थे, ये क्या था, टू मेथड्स थे जिनके हम जिसके लिए जिसको हम किससे डिटरमाइन करने वाले, जिनसे हम डिटरमाइन करने वाले प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को। ठीक है, अब जब क्या देख रहे हो, टू सिचुएशन देख रहे हो, आपकी क्या सिचुएशन है जिसके अंदर आपका जो प्रोड्यूसर वो इक्विलिब्रियम पर होने वाला है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट, इसका क्या मतलब है, जब आपका प्राइस कांस्टेंट रहता है तब हम देखते हैं कि जो आपका प्रोड्यूसर है वो इक्विलिब्रियम पर कैसे होता है। इट हैपेंस अंडर परफेक्टली कॉम्पिटिशन। परफेक्टली कॉम्पिटिशन क्या होता है, ये एक मार्केट होती है जिसको हमने किसके अंदर कवर किया था, आपने टोटल रिवेन्यू और जो रिवेन्यू वाला चैप्टर उसके अंदर हमने कवर किया था। ये क्या होती है, एक मार्केट होती है परफेक्टली कॉम्पिटिशन मार्केट, जो कि क्या होती है, एक अजम्पशन होती है। इसके अजम्पशन क्या क्या होती है, लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं इधर, लार्ज नंबर ऑफ बायर और लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं इधर, और ये जो जो सेलर्स होते हैं क्या सोल्ड कर रहे होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट सोल्ड कर रहते हैं, क्या सोल्ड कर रहे होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट। ठीक है, होमोजीनियस प्रोडक्ट क्या होता है आपका, जो कि सेम साइज का होता है, सेम कलर का होता है, सेम पैकिंग का होता है, मतलब सिमिलर होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होता है। जितने भी सेलर आपके मार्केट के अंदर है वो सारे क्या कर रहे हैं, एक ही प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सेम प्रोडक्ट है सभी सेलर्स के पास में, और जो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है उसी प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या रहता है, जो आपके परफेक्टली कॉम्पिटिशन मार्केट होती है, इसके अंदर जो प्राइस होता है वो क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। और ये प्राइस किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, मार्केट के द्वारा डिसाइड किया जाता है, मीन्स मार्केट के अंदर जो कि जो भी सेलर्स हैं उसके द्वारा डिसाइड किया जाता है। ठीक है, जितनी आपकी डिमांड होगी, जितनी आपकी सप्लाई होगी, उसके अकॉर्डिंग आपका जो है प्राइस जो है क्या होने वाला है, सेट होने वाला है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ जाएगा जो आपकी प्रोडक्टली कॉम्पिटिशन मार्केट क्या होती है। ये टोटली एक अजम्पशन होती है, ऐसा रियल लाइफ के अंदर नहीं होता है। ठीक है, ये क्यों अजम्पशन ली गई है, ये अजम्पशन ली गई है ताकि आपको डिफरेंस पता चले, जो हम एक्चुअल जो मार्केट होती है आपकी और जो परफेक्टली कॉम्पिटिशन मार्केट है इनके बीच का डिफरेंस पता चले आपको इकोनॉमिक्स के अंदर का। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा। अब हम जो है टू सिचुएशन पढ़ेंगे, व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट, जब आपका जो प्राइस है क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। ठीक है, और इट हैपेंस अंडर परफेक्टली कॉम्पिटिशन मार्केट के अंदर होता है। और सेकेंड सिचुएशन क्या आपकी, व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट, इट हैपेंस अंडर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन।
सेकेंडरी सिचुएशन क्या आपकी, जब आपका प्राइस जो है वो क्या रहा फॉल हो रहा है विद राइज इन आउटपुट, आपका जो आउटपुट है जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे आपका जो क्या प्राइस क्या होता जा रहा है कम होता जा रहा है, ठीक है, प्राइस क्या होता जाएगा कम होता जाएगा, आपका आउटपुट क्या होता जाएगा इंक्रीज होता जाएगा। ये कौन से मार्केट के अंदर होता है, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट के अंदर होता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी हम देख लेते हैं इसके नेक्स्ट, देखिए आपका नेक्स्ट इज मार्जिनल रिवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। जो मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच है वो देख लेते हैं हम। क्या है, टू अटेन इक्विलिब्रियम टू कंडीशन आर रिक्वायर्ड। अब जब हम ये अप्रोच पढ़ रहे हैं, जब मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिवेन्यू वाली अप्रोच पढ़ रहे हैं, उसके अंदर क्या है दो जो कंडीशन होते हैं जिसके अंदर आपका इक्विलिब्रियम आपको पता चलेगा, जो प्रोड्यूसर आपका इक्विलिब्रियम पर पहुंच गया है वो कौन कौन सी जो आपकी कंडीशन हो, क्या है, एक तो कंडीशन आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, मार्जिनल रिवेन्यू के इक्वल होनी चाहिए। मीन्स क्या आपका जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट है वो आपके मार्जिनल रिवेन्यू के इक्वल आनी चाहिए, तभी आपका जो प्रोड्यूसर वो इक्विलिब्रियम पर पहुंच सकता है। और इसको कंप्लीट करने के लिए आपको एक सेकंड जो कंडीशन वो भी आपको देखनी पड़ेगी। ये तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये तो हम दिखा देंगे कि ये कंप्लीट हो गया आपका मार्जिनल कॉस्ट जो है वो इक्वल टू मार्जिनल रिवेन्यू आ गया आपका, ठीक है। जितनी आपकी कॉस्ट लग रही है उतना ही आपका जो क्या है रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, ठीक है। ये क्या हो गया आपकी फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है इसका, मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल रिवेन्यू आफ्टर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रिवेन्यू आउटपुट लेवल। अभी क्या बोला जा रहा है कि इसके अंदर बोला जा रहा है कि आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या नीचे बढ़ती दिखनी चाहिए, हमें बढ़ती दिखनी चाहिए जब आपका जो मार्जिनल रिवेन्यू है वो क्या हो जाए इक्वल हो जाए किसके मार्जिनल कॉस्ट की, ठीक है। जब आपका मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रिवेन्यू हो जाएगा तो उसके बाद में आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट वो आपको बढ़ती हुई दिखनी चाहिए मार्जिनल रिवेन्यू से। ऐसा क्यों होता है, अभी आपने बोला कि आपका जो मार्जिनल कॉस्ट होता है इक्वल टू में होनी चाहिए मार्जिनल रिवेन्यू के, लेकिन उसके बाद में हम इसको मार्जिनल कॉस्ट को बढ़ता हुआ क्यों दिखाएंगे, ठीक है। अभी इसके ऊपर क्या क्या हम कैसे देखते हैं इसको, हम देखते हैं अगर आप देखो कि आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है वो इक्वल टू मार्जिनल रिवेन्यू हो गया, ठीक है। अगर आपका जो क्या होगा, अगर आपका जो प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा, प्रोड्यूसर क्या है बढ़ा देगा, आपका प्रोडक्शन क्या कर देगा बढ़ा देगा, तो आपका क्या होगा वो इक्विलिब्रियम पर नहीं आएगा, या फिर वो प्रोड्यूसर कम प्रोडक्शन जो कम कर देगा तब भी वो इक्विलिब्रियम पर नहीं आने वाला है। तो इसके अंदर इसीलिए बना दिया गया कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो आपको बढ़ती हुई दिखनी चाहिए। अगर जो अगर आपके जब प्रोड्यूसर जो इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएगा, मीन्स आपका जहां पर उसको क्या मिल रहा होगा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा होगा मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा होगा, तो आपका प्रोड्यूसर क्या करेगा एक स्टेप और आगे लेने की कोशिश करेगा जिससे आपका जो मार्जिन रिवेन्यू वो बढ़ जाए, आपका जो है रिवेन्यू क्या है इंक्रीज हो जाए, उसका रिवेन्यू ज्यादा हो जाए, उसकी कॉस्ट कम हो जाए, ठीक है। लेकिन इसके इसी सिचुएशन को हमको कवर करने के लिए हमको क्या बोला गया है कि जो आपकी मार्जिन कॉस्ट हमको बढ़ती हुई दिखानी है ताकि जो प्रोड्यूसर है वो नेक्स्ट स्टेप पर पहुंच ही ना पाए, ठीक है। जो नेक्स्ट स्टेप है जो मार्जिन रिवेन्यू उसको इंक्रीज ही ना पाए क्योंकि उसकी कॉस्ट बढ़ गई है, तो उसको किस पर स्टिक रहना पड़ेगा, उसको ओल्ड जो उसका पॉइंट है जहां पर उसको मैक्सिमम जो प्रॉफिट मिल रहा है उस पर क्या होना पड़ेगा स्टक हो जाएगा वो, ठीक है, जो आपका प्रोड्यूसर है वो स्टक हो जाएगा। अगर हम इसको स्केड्यूल के अकॉर्डिंग देखेंगे, हम इसको टेबल फॉर्म के अंदर देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा जो कि हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। इतना आपको मोटा मोटा याद रखना कि जो आपका मार्जिनल जो आपका प्रोड्यूसर है वो किसी उसकी सिचुएशन क्या होगी, टू कंडीशन पर होगा, जो आपका प्रोड्यूसर होगा टू कंडीशन होगी किसके अंदर मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच के अंदर, टू कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन क्या की मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रिवेन्यू, ये तो आपको समझ में आ गया कि कॉस्ट किसके इक्वल है मार्जिनल रिवेन्यू के इक्वल है। नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, मार्जिनल रिवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल रिवेन्यू आफ्टर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रिवेन्यू आउटपुट लेवल। जब आपकी ये सिचुएशन जो है कंप्लीट हो जाएगी फुलफिल हो जाएगी तो आपकी क्या क्या आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो आपको इंक्रीज होती हुई दिखनी चाहिए, ठीक है। मार्जिनल रिवेन्यू से आपका जितना मार्जिनल रिवेन्यू होगा उससे क्या होनी चाहिए बढ़ती हुई दिखनी चाहिए। ये क्यों दिखनी चाहिए मैंने आपको सिंपली बता दिया, क्यों दिखनी चाहिए ताकि जो प्रोड्यूसर है वो आपका जो मार्जिनल रिवेन्यू वो बढ़ा ही ना पाए क्योंकि उसकी कॉस्ट जो है इंक्रीज हो गई है तो उसका जो रिवेन्यू क्या होगा ऑलरेडी कम होगा या फिर वो उसी कंडीशन पर क्या होगा स्टक हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर उसका मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा होगा। आई होप ये क्लियर होगा। बस का नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या आपका मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच के अंदर बोथ द कंडीशन आर नीडेड फॉर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रिवेन्यू का हम देख लेते हैं, ये इसके अंदर हमें बोला गया है। इसके अंदर भी दो सिचुएशन हो सकती है, क्या 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 सिचुएशन हो सकते हैं, दो कंडीशन है व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन मार्जिनल रिवेन्यू। अभी आपको पता है जो प्रोड्यूसर है इक्विलिब्रियम कब होने वाला, जब मार्जिनल कॉस्ट क्या होने वाले इक्वल होने वाले मार्जिनल रिवेन्यू के। लेकिन इफ अगर आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कम हो जाए किससे मार्जिनल रिवेन्यू से,
या फिर आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो बढ़ जाए मार्जिनल रेवेन्यू से, तो क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा, वो तब कैसे अपने इक्विलिब्रियम पर आने वाला है वो, ठीक है, वो वापस कैसे इक्विलिब्रियम पर आने वाला है प्रोड्यूसर आपका, तो देख लेते हैं। देन मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन मार्जिनल रेवेन्यू, प्रॉफिट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एज लॉन्ग एज दिस सिचुएशन प्रिसिस्ट। ठीक है, ये क्या है, जब आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट होगी वो आपको बताया, अगर आपकी कॉस्ट कम है तो, अगर आपकी कॉस्ट कम होगी तो आपका रिवेन्यू क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है, कीप्स इंक्रीजिंग, आपका जो रिवेन्यू क्या होने वाला है, बढ़ता रहने वाला है। ठीक है, एक सिचुएशन तक, सो आप प्रोड्यूसर विल कीप इन प्रोड्यूसिंग मोर आउटपुट, तो क्या करेगा प्रोड्यूसर, आप क्या करता जाएगा, जितनी आउटपुट क्या है बढ़ाता जाएगा, प्रोड्यूसिंग करता जाएगा, प्रोडक्शन क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट आ रही है वो कम आ रही है प्रोडक्शन बढ़ाने की वजह से, तो उसका जो रिवेन्यू वो भी क्या आने वाला है, बढ़ने वाला है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा, लेकिन अभी आपको पता चल गया, जब आपका जो रिवेन्यू है, जो रिवेन्यू आपका बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि आपका जो एलवीपी बोलता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलता है, वो क्या बोलता है, जितना आप प्रोडक्शन बढ़ाते जाओगे एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका जो रिवेन्यू है वो क्या लग जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको पता चल गया कि आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कम होती जा रही है, रिवेन्यू आपका बढ़ता जा रहा है, अभी एलवीपी के अकॉर्डिंग क्या, जितना आपका मार्जिनल रिवेन्यू बढ़ता जाएगा, एक सिचुएशन में ऐसी आएगी कि वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब उस सिचुएशन के ऊपर हम क्या करेंगे, हमारा क्या होगा, मार्जिनल रिवेन्यू क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो मार्जिनल कॉस्ट किसके इक्वल आ जाएगी, मार्जिनल रिवेन्यू के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया कि ये वाली सिचुएशन, ये वाली कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी बिकॉज ऑफ एलवीपी, ठीक है, लो वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से। अगर हम देख लेते हैं व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन मार्जिनल रिवेन्यू, ये सिचुएशन हमें क्या बोलती है, कंडीशन हमें क्या बोलती है, आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या ज्यादा है अपने रिवेन्यू से, उसके रिवेन्यू से क्या है, कॉस्ट आपकी ज्यादा आ रही है, बेनिफिट्स आर लेस देन कॉस्ट, सो आप प्रोड्यूसर इज नॉट एट इक्विलिब्रियम। ये तो सिंपल सी बात है कि जो आपका मार्जिनल कॉस्ट अगर आपकी ज्यादा आ रही है तो मार्जिनल रिवेन्यू से ज्यादा आ रही है तो आपके बेनिफिट क्या है, वो कम है, तो बेनिफिट कम है किससे, कॉस्ट से। ठीक है, सो प्रोड्यूसर इज नॉट एट इक्विलिब्रियम, तो क्या होगा, आपका जो प्रोड्यूसर होगा वो इक्विलिब्रियम पर नहीं होने वाला, इक्विलिब्रियम पर क्यों नहीं होने वाला है, देख लेते हैं, क्योंकि आपका जो कंडीशन ये होती है मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एमआर मार्जिनल रिवेन्यू, लेकिन आपकी कंडीशन क्या है, ये है, आपकी कॉस्ट ज्यादा होगी आपका रिवेन्यू कम हो गया। ठीक है, अभी आप ऐसे, अभी आप इसको देखोगे, आपकी जो कॉस्ट है वो क्या होगी, आप बढ़ाते जाओगे अपनी कॉस्ट को बढ़ाते जाओगे, लेकिन आपका रिवेन्यू क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, अभी एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी कॉस्ट जो बहुत ज्यादा हो गई है, उसका जो उसका जो प्रोडक्शन है वो हम बढ़ाते जा रहे हैं, आपकी कॉस्ट जो क्या है ज्यादा आ रही है प्रोडक्शन करने में, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, अपना प्रोडक्शन कम कर देगा। क्यों कम कर देगा, क्योंकि उसको जो प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा कॉस्ट पर हो रहा है, तो ज्यादा कॉस्ट पर हो रहा है, उसको रिवेन्यू वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, उसको कोई खरीद तो रहा है उस प्रोडक्ट को, तो क्या करेगा, वो उस प्रोडक्ट की जो है प्रोडक्शन क्या करता है, कम कर देगा। अगर प्रोडक्शन वो कम कर देगा तो उसकी कॉस्ट भी क्या आने वाली है, अगर वो प्रोडक्शन कम कर देगा तो उसकी कॉस्ट क्या आने वाली, कम हो जाएगी, क्योंकि वो प्रोडक्शन कम कर रहा है, उसकी कॉस्ट क्या है, लिमिटेड अमाउंट में वो क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, तो उसके पास लिमिटेड जो अमाउंट का जो प्रोडक्शन है उसका हिसाब रहेगा, एवरी जो प्रोडक्ट है उसका हिसाब रहने वाला है, और उसको पता चला कि जो मार्केट के अंदर जितने प्रोडक्ट जा रहे हैं आपको किस रेट के अंदर बिक रहे हैं, वो कैसे बिक रहे हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपकी जो है मार्जिनल कॉस्ट क्या कम होने लग जाएगी, जो मार्जिनल कॉस्ट कम होने लग जाएगी तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका मार्जिनल कॉस्ट क्या जाएगा, इक्वल टू में आ जाएगा किसके, मार्जिनल रिवेन्यू के। आई होप आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट इज आपका स्केड्यूल है, आपकी इस अप्रोच का क्या स्केड्यूल है, इसके अंदर आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हम कैसी कौन सी कंडीशन की कैसे बात कर रहे हैं। ठीक है, आउटपुट कितना आपका 1 2 3 4 5 6, ठीक है, प्राइस कितना आपका 12 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
बात कर रहे हैं, इसके अंदर आपका जो प्राइस है वो क्या रहने वाला है, रिमेन कॉन्स्टेंट रहने वाला है। अभी आपको सिंपली पता लगाना कि जो आपका प्रोड्यूसर है वो कौन इक्विलिब्रियम पर कम होने वाला है, इक्विलिब्रियम पर कब होने वाला है, ठीक है। इसके अंदर आपको टोटल कॉस्ट और टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट की कोई हेल्प नहीं लगने वाली। आपका जो प्रॉफिट है इसको आपको बिल्कुल भी अभी देखना नहीं है, प्रॉफिट को आपको अभी बिल्कुल भी देखना नहीं है। क्यों नहीं देखना है, क्योंकि हम प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हमें सिंपली देखना आपका जो प्रोड्यूसर है वो इक्विलिब्रियम पर कब होने वाला है। इक्विलिब्रियम की सिचुएशन क्या होती है, मार्जिनल रिवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होने वाला है। जब ये आपका हो जाएगा, ये सिचुएशन आपकी जो पूरी हो जाएगी, तब आपका क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर जो है इक्विलिब्रियम पर हो जाएगा, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं आपके पास टोटल रिवेन्यू जो आपको गिवन है, टोटल कॉस्ट आपको गिवन है, इसकी हेल्प से क्या निकाल दोगे, मार्जिनल रिवेन्यू निकाल दोगे, टोटल कॉस्ट की हेल्प से निकाल दोगे। अभी आपको पता जो मार्जिनल रिवेन्यू होता है वो किसके इक्वल होता है, प्राइस के इक्वल होता है। कैसे इक्वल होता है,
अभी हमने जो अपने रिवेन्यू चैप्टर पढ़ा उसके अंदर हमने पढ़ा कि जो प्राइस होता है, जो प्राइस लाइन होती है कैसी होती है, प्राइस लाइन इक्वल टू में एवरेज रिवेन्यू और एवरेज रिवेन्यू इक्वल टू में मार्जिनल रिवेन्यू। तो क्या होगा डायरेक्टली, क्या प्राइस किसके इक्वल होता है, आपके मार्जिनल रिवेन्यू के ही इक्वल होता है। ठीक है, तो जितना आपका प्राइस होने वाला है उतना ही आपका क्या होने वाला है, आपका मार्जिनल रिवेन्यू होने वाला है। तो 12 क्या है, 12 ऐसे 12 और 12 और 12। ठीक है, आपका मार्जिनल रिवेन्यू भी हो गया, प्राइस भी आ गया, प्राइस आपको गिवन था, मार्जिनल रिवेन्यू हमने निकाल दिया। अभी हमें सिंपली क्या निकालना है, हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालना है ताकि आपका जो है इक्विलिब्रियम की सिचुएशन हमको पता चल जाए। मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए आप क्या करने वाले, टोटल कॉस्ट आपको गिवन है। ठीक है, टोटल कॉस्ट आपको गिवन है तो आप क्या कर दोगे, सिंपली निकाल दोगे 25 के अंदर से 13 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा, फिर 34 के अंदर से 25 को माइनस कर दो कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा, 42 के अंदर से 34 को माइनस कर दोगे तो आपका 8 आ जाएगा, 54 के अंदर से 42 को माइनस कर दोगे तो आपका 12 आ जाएगा, 68 के अंदर से 54 को माइनस कर दोगे तो आपका 14 आ जाएगा। बाय एनी चांस किसी को समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसका फॉर्मूला भी बता देता हूँ ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है आपका मार्जिनल कॉस्ट का, क्या फॉर्मूला होता है आपका, मार्जिनल कॉस्ट एन इज इक्वल टू में टोटल कॉस्ट, एन माइनस में टोटल कॉस्ट, एन माइनस में 1। ये क्या होता है आपका, मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हम देखिए तो मार्जिनल कॉस्ट एन क्या है, इधर क्या है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितना आपका 1 है, तो फिर आप देखोगे कि मार्जिनल कॉस्ट कितना है 1, मार्जिनल कॉस्ट 1 MC1 इज इक्वल टू में टोटल कॉस्ट, n कितना आपका 1 है, माइनस में टोटल कॉस्ट n माइनस 1, n कितना 1 है तो 1 माइनस 1 कितना जाएगा टोटल कॉस्ट 0। ठीक है, टोटल कॉस्ट आपको कितना गिवन है 13 गिवन है, तो 13 के अंदर से आप कितना माइनस कर दो ऊपर वाला 0 वैल्यू को माइनस कर दो तो 13 के अंदर से 0 हो गया तो कितना आ गया 13 आ गया। ठीक है, ऐसे ही आप क्या करने वाले, आप नेक्स्ट निकाल देने वाले, नेक्स्ट केस निकालने वाले 1 की जगह सिर्फ आपका 2 आ जाएगा, तो ऐसे 2 आ जाए तो 2 माइनस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा इधर 1 आ जाएगा, तो 2 के अंदर से माइनस 1 कर दोगे 2 इधर है, टोटल कॉस्ट आपका 25 है, 2 ये आपका है तो 2 के अंदर से 1 को माइनस करोगे तो आपका 25 माइनस 13 12 आ गया, फिर ऐसे 34 माइनस 25 9 आ गया, 42 माइनस 32 34 8 आ गया, 54 माइनस 42 12 आ गया, फिर ऐसे 68 माइनस 54 आपका 14 आ गया। आई होप आपके जो क्वेश्चन है ये जो आपका स्केड्यूल है आपका क्लियर हो गया होगा। अभी आपको सिंपली क्या देखना है, आपको इक्विलिब्रियम ध्यान में रखना है, इक्विलिब्रियम आप कैसे निकाल दोगे, इक्विलिब्रियम की क्या सिचुएशन होती है आपकी, सिचुएशन हमने देख ली थी, सिचुएशन क्या आपकी, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रिवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, देख लेते कब होने वाला आपका मार्जिनल रिवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट कब इक्वल है, इधर क्या 12 है इधर 13 है तो ये क्या इक्वल तो नहीं है, ये क्या इक्वल नहीं है। नेक्स्ट क्या आपका मार्जिनल रिवेन्यू 12 और मार्जिनल कॉस्ट भी 12 है, ये क्या आपका इधर इक्विलिब्रियम बन रहा है, बन रहा है इधर इक्विलिब्रियम। अब हम देख लेते हैं आपको नेक्स्ट भी आपको आगे भी पढ़ना पड़ेगा कि आपका इक्विलिब्रियम कब बन रहा है, एक्चुअली आपका इक्विलिब्रियम कब बन रहा है। ठीक है, देखते हैं 12 और 9 ये ना यहाँ पर भी नहीं बन रहा है, 12 और 8 नहीं बन रहा है, 12 और 12 आपका यहाँ पर भी एक इक्विलिब्रियम बन रहा है, मींस इसके अंदर तो दो इक्विलिब्रियम बन रहे हैं, ऐसा नहीं है आपके दो इक्विलिब्रियम नहीं बन रहे, आपका एक ही इक्विलिब्रियम बनने वाला है। एक इक्विलिब्रियम आपका कैसे बनने वाला है, अभी आपको पता है कि इसके अंदर दो कंडीशन थी, कंडीशन क्या थी, एक तो आपका मार्जिनल रिवेन्यू इक्वल टू में होना चाहिए, किसके मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन आपकी क्या थी, जब आपका जो मार्जिनल रिवेन्यू है वो इक्वल होगा किसके मार्जिनल कॉस्ट के, तो जो मार्जिनल कॉस्ट आपकी क्या होनी चाहिए, बढ़ती हुई दिखनी चाहिए, हमें क्या दिखनी चाहिए, हमको इंक्रीज होती हुई दिखनी चाहिए। ठीक है, अब हम देख रहे थे इंक्रीज होती हुई मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रिवेन्यू इधर 12 और 12 है मार्जिनल कॉस्ट के साथ, ये क्या इक्वल है, लेकिन अभी नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, जो मार्जिनल कॉस्ट हमें उसके बाद में हमें मार्जिनल रिवेन्यू से ज्यादा दिखनी चाहिए, मार्जिनल रिवेन्यू आपका कितना 12 है, मार्जिनल कॉस्ट आपकी कितनी है नेक्स्ट वन पे 9 है, ये तो आपको बढ़ती ही नहीं दिख रही आपकी मार्जिनल कॉस्ट। अभी हम सेकंड इक्विलिब्रियम पर देख लेते, जो हमने सेकंड इक्विलिब्रियम निकाला है 12 और 12 इधर भी आ रहा है, ये भी इक्विलिब्रियम में एक, इसके आगे हम देखिए तो आपकी क्या है मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रही है, बढ़ती हुई दिख रही है हमें, क्या मार्जिनल रिवेन्यू आपका 12 है और मार्जिनल कॉस्ट आपकी 14 है, जो मार्जिनल कॉस्ट आपकी किससे ज्यादा है, ग्रेटर है मार्जिनल रिवेन्यू से। ठीक है, तो ये आपका क्या होने वाला है, आपका क्या होने वाला है, आपका ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होने वाला है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कौन सा होने वाला है, अगर इसको बताओगे तो आप कैसे बताने वाले प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को, आप बताने वाले हो कि जब आपका आउटपुट जो है 5 है और जो आपका प्राइस है वो 12 है, उस कंडीशन पर आपका क्या है जो प्रोड्यूसर वो किस पर है, इक्विलिब्रियम पर होने वाला, जब आपका आउटपुट 5 है और जब आपका प्राइस है 12 है तब आपका प्रोड्यूसर क्या है, इक्विलिब्रियम पर होने वाला है, जो कि हमने इसके डेफिनेशन में भी देखा था। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन जहां पर आउटपुट और जो प्राइस है वो क्या है परफेक्टली, जहां पर आप कह रहे परफेक्टली जो है
ऐसा जो मार्जिन डिविजन और मार्जिन कोस्ट निकाल रहे हो जो कि है प्रॉफिट, आपको क्या मिल रहा है वहां पर मैक्सिमम मिल रहा है, आप आउटपुट 5 क्या है प्रोड्यूस कर रहे हो, उसका प्राइस कितना है 12 है, यहाँ पर जो प्रोड्यूसर उसको कितना प्रॉफिट मिल रहा है 6 प्रॉफिट मिल रहा है, मीन सबको जब सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम प्रॉफिट को भी देखें तो प्रॉफिट आपका क्या है, आपका प्रॉफिट -1 -2 -1 -2 -6 -6 -4 या आपका प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट आपने कैसे निकाला है, टोटल रिवेन्यू माइनस कॉस्ट, टोटल रिवेन्यू के अंदर से कॉस्ट को माइनस कर दिया तो आपका क्या आ गया, आपका प्रॉफिट आ गया। टोटल रिवेन्यू कितना, 12 -13 -24 -25 -36 -34 -48 -42 -60 -54 -72 -68। आई होप आपको जो प्रॉफिट है वो आपको निकालना आ गया है। ठीक है, कैसे निकालना है, टोटल रिवेन्यू के अंदर से टोटल कॉस्ट को माइनस कर देते तो आपको क्या आता है, प्रॉफिट आता है। अभी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में क्या बोलता है, ऐसा कॉम्बिनेशन बताओ जहां पर आउटपुट और जो प्राइस का एक ऐसा कॉम्बिनेशन मिल रहा है हमें, जहां पर आपको जो प्रोड्यूसर को क्या मिल रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है। तो हम प्रॉफिट तो हमने देखा ही नहीं, अभी हम तो एक्चुअल हम प्रॉफिट देख लेते हैं। प्रॉफिट का क्या इतना गिवन है, इस पॉइंट पर आपको कितना गिवन है, 5 और 12 के पॉइंट पर आपको 6 प्रॉफिट गिवन है। ये क्या आपका मैक्सिमम जो है प्रॉफिट होने वाला है, इधर मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे होने वाला है, क्योंकि इसके बाद में जो आपका प्रॉफिट है वो क्या होने लग गया, कम होने लग गया, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। क्या गया, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया, जैसे कि हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था, ऐसा कॉम्बिनेशन बताना जहां पर आपको जो है प्रॉफिट मैक्सिमम मिल रहा है और उसके बाद में जो आपका प्रॉफिट है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट होगा, मीन्स इधर 6 था और 6 के बाद 4 आ गया, तो ये क्या आपका प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट है जो प्रोड्यूसर अटेन कर सकता है। ठीक है, जो ले सकता है। आई होप आपको क्लियर होगा का प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कौन सी अप्रोच के अंदर, मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच के अंदर। अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट है इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होने वाली है, अभी आपका तो पता है जो मार्जिनल कॉस्ट कैसा होता है, मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व होता है वो यू शेप होता है। मार्जिनल कॉस्ट का कर्व कैसा होता है, आपका यू शेप होता है। ये क्यों होता है, क्यों होता है आपका यू शेप, बिकॉज ऑफ एलवीपी की वजह से होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से ये क्या होता है, यू शेप होता है। इसको हमने डिटेल में किस कहां पर किस पर कवर किया, हमने कॉस्ट वाले चैप्टर के अंदर कवर किया है। अभी अभी के लिए आपको याद रखना है जो मार्जिनल कॉस्ट होता है आपका यू शेप होता है, आपको कैसे बना के आना, यू शेप ही बना के आना है। ठीक है, अगर आपको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम दिखाना है तो आपको दिखाना पड़ेगा जो मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, आपको दिखाना पड़ेगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर। तब भी आप दिखाओगे तो कैसे दिखाओगे, प्राइस क्या था आपका कॉन्स्टेंट था, प्राइस क्या था कॉन्स्टेंट था, ये क्या आपका प्राइस आ गया, क्या आ गया आपका कॉन्स्टेंट आ गया। प्राइस कॉन्स्टेंट क्यों आ गया, क्योंकि हम परफेक्टली कॉम्पिटिशन मार्केट के अंदर आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम देख रहे हैं। ठीक है, अभी प्राइस इक्वल टू में एवरेज रिवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रिवेन्यू। अब मार्जिनल रिवेन्यू हमने देखा था, हमने मार्जिनल रिवेन्यू को कैसे निकाला था, हमने मार्जिनल रिवेन्यू को निकाला था जो आपका प्राइस है किसके इक्वल होता है, एवरेज रिवेन्यू के इक्वल होता है, और किसके इक्वल होता है मार्जिनल रिवेन्यू के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमने मार्जिनल रिवेन्यू डायरेक्टली प्राइस से निकाला था ऊपर वाले शेड्यूल के अंदर। ठीक है, तो प्राइस क्या आ गया आपका, जो आपका मार्जिनल रिवेन्यू आ गया। ठीक है, अभी हम सिंपली मार्जिनल कॉस्ट को क्या करते हैं, कट करके दिखाते हैं। मार्जिनल कॉस्ट हमने बना दिया, इस पेपर कैसे बना दिया, आपने यू शेप बना दिया। ठीक है, इधर हमने क्या बना दिया, यू शेप हमने क्या बना दिया, मार्जिनल कॉस्ट का कर्व बना दिया। अभी हम देखते हैं यहाँ पर जो आपका इंटरसेक्ट हो रहा है, जो फर्स्ट इंटरसेक्ट हो रहा है मार्जिनल कॉस्ट का, वो किस पॉइंट पर हो रहा है, आर पॉइंट पर हो रहा है। ठीक है, क्वांटिटी इधर क्या है, क्वांटिटी 1 है। ये क्या कौन से, ये क्या है, इधर आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर है, नहीं इधर क्यों प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर नहीं है, क्योंकि आपकी जो कॉस्ट है वो क्या होती जा रही, कम होती जा रही है। इधर आपकी कॉस्ट क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। लेकिन हमने क्या पढ़ा था, हमने जो इक्विलिब्रियम का पढ़ा था, जो हमने कंडीशन पढ़ी थी उसके अंदर क्या पढ़ा था, आपका जब मार्जिनल रिवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल आ जाएगा तो आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो ग्रेटर होनी चाहिए, किसके मार्जिनल रिवेन्यू से क्या नीचे ग्रेटर होनी चाहिए, बढ़ती हुई दिखनी चाहिए हमें उसके बाद में। ठीक है, इधर क्या आपको दिख रही है, आपका मार्जिनल कॉस्ट डाउन आया, इंटरसेक्ट किया, ये ऊपर तो नहीं गया। ठीक है, ये ग्रेटर तो नहीं हुआ मार्जिनल रिवेन्यू से, ये तो क्या हो रहा है, ये तो कम होता जा रहा है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ये आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम नहीं है, ये क्या आपका इक्विलिब्रियम नहीं है। आपका इक्विलिब्रियम कहां पर है, आपका इक्विलिब्रियम के पॉइंट पर होने वाला है। इक्विलिब्रियम को हम के से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर आपको इक्विलिब्रियम लिखना तो आप के वैल्यू लिख के आ जाएगा, इधर क्या है के वर्ड लिख के आ जाएगा। ठीक है, अभी आपका देखना कि जो के वर्ड है इधर कैसे आपका जो इक्विलिब्रियम पर है, प्रोड्यूसर कैसे इक्विलिब्रियम पर होने वाला है। अगर हम देखें आपको मार्जिनल कॉस्ट क्या रही, कम हो रही है, इधर कम होती जा रही है, फिर क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। अभी यहाँ पर जो इंटरसेप्ट कर रहा है आपका मार्जिनल रिवेन्यू किसके इक्वल हो गया, आपका मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या हो गया, मार्जिनल रिवेन्यू आपके मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल आ गया। उसके बाद में हमारी कंडीशन जो सेकंड कंडीशन थी वो भी फुलफिल हो रही है, मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रहा है, आपको ग्रेटर दिख रहा है किससे, मार्जिनल रिवेन्यू से। ठीक है, ये क्या दिख रहा है, आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट
क्या आपका इधर क्या आ जाता है, जो प्रोड्यूसर वो किस पर है, आपका इक्विलिब्रियम पर होने वाला है। आई होप कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आ गई होगी, इतनी मुश्किल नहीं थी, इजी से कोई इजी से जो आपका चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर आपका इजी सा चैप्टर है, ठीक है। एक ही वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर को कवर कर देंगे। नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट इसका स्केड्यूल देख लेते हैं, मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट का स्केड्यूल देखते हैं, किसके अंदर, कौन सी मार्केट के अंदर, हम दूसरी मार्केट के अंदर देख रहे हैं, जो क्या कि इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट थी। इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट के अंदर क्या होता है आपका, वेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट, आपका आउटपुट बढ़ रहा है लेकिन आपका जो प्राइस वो क्या रहा है, गिरता हुआ दिख रहा है, ठीक है। आउटपुट कितना है, 1 2 3 4 5, प्राइस कितना है, 8 7 6 5 4, प्राइस कहता जा रहा है, कम होता जा रहा है, लेकिन हमने जो ऊपर वाला स्केड्यूल पढ़ा था उसके अंदर क्या था, आपका प्राइस जो था कॉन्स्टेंट था, आपका प्राइस क्या था, कॉन्स्टेंट था, ठीक है। आई होप आपका ये डिफरेंस जो समझ में आ रहा होगा। अब हम टोटल रिवेन्यू आपको गिवन है, टोटल कॉस्ट भी आपको गिवन है, मार्जिनल रिवेन्यू हम निकाल देंगे। मार्जिनल रिवेन्यू हम कैसे निकालते हैं, मार्जिनल रिवेन्यू का फॉर्मूला क्या आपका, टोटल रिवेन्यू एन माइनस में टोटल रिवेन्यू, एन माइनस में वन होने वाला है आपका मार्जिनल रिवेन्यू का फॉर्मूला, ठीक है। अब आप देखते हैं, अगर मार्जिनल रिवेन्यू एन क्या आपका नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, तो मार्जिनल रिवेन्यू एन हम किसकी बात करें, इधर वन की बात करें, तो एम आर वन इज इक्वल टू में टोटल रिवेन्यू वन माइनस में टोटल रिवेन्यू एन, क्या इधर वन माइनस वन करेंगे तो जीरो की बात कर रहे हैं, तो टोटल रिवेन्यू आपका इधर कितना है, एट है, टोटल रिवेन्यू आपका कितना है, एट है फर्स्ट यूनिट के ऊपर, तो एट में से ऊपर क्या कर देंगे आपका, ऊपर वाला क्या आपका जीरो है, तो 8 माइनस में 0 कितना आ जाएगा आपका, आपका 8 माइनस में 0 कर दोगे तो आप मार्जिनल रिवेन्यू जो आपका कितना आने वाला है, 8 आने वाला है, कितना आने वाला आपका, 8 आने वाला। आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको सिंपली फॉर्मूले के अंदर पुट करके देख लेना है, जो टोटल रिवेन्यू 1 है आपका कितना, इधर टोटल रिवेन्यू 1 आपका कितना है, 8 है टोटल रिवेन्यू, माइनस में टोटल रिवेन्यू क्या है आपका 0 है, ठीक है, तो 8 माइनस 0 कर दोगे तो आपका कितना आने वाला है, आपका 0 8 आने वाला है। आई होप आपको जो क्वेश्चन है क्लियर हो गया। अभी ऐसे ही आप नेक्स्ट करते जाओगे, ठीक है, आपका मार्जिनल रिवेन्यू कितना है, 2 है, तो 2 पर आप निकालोगे तो 2 पर आपका टोटल रिवेन्यू कितना आ रहा है, टोटल रिवेन्यू 2 के ऊपर कितना, 14 है, तो 14 हमने इधर क्या कर दिया, पुट कर दिया, इधर क्या कर दिया, 14 आ गया, माइनस में करते हैं टोटल रिवेन्यू, 14 माइनस 1 कर दे तो आपका कितना आ जाएगा, इधर 13 आ जाएगा, इधर क्या 14 है, इधर क्या 13 है, ठीक है। अभी आपको पता चल गया 14 माइनस अगर हम 13 करेंगे तो कितना आने वाला है, सॉरी 14 माइनस 13 नहीं, इधर क्या कर दिया हम टोटल रिवेन्यू क्या करने वाला है, 2 करने वाला है, टोटल रिवेन्यू 2 और माइनस में टोटल रिवेन्यू 2 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, इधर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको ये क्लियर होगा, अब 2 यूनिट पर आपका टोटल रिवेन्यू कितना 14 है और 1 यूनिट पर आपका टोटल रिवेन्यू कितना 8 है, तो 14 माइनस 8 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ऐसे ही आप क्या करना है, मार्जिनल रिवेन्यू आपको निकालते जाना है, आपको इजिली निकल जाएगा, ठीक है। देख लेते सिंपली 8 8 14 6 आ गया, इधर 14 के अंदर से 8 को माइनस कर दिया तो 6 आ गया, 18 के अंदर से 14 को माइनस कर दिया तो 4 आ गया, 20 के अंदर से 18 को माइनस कर दिया तो 2 आ गया, 20 के अंदर से 20 को माइनस कर दिया तो आपका 0 आ गया। आपने मार्जिनल रिवेन्यू इजीली निकाला किस हेल्प से, टोटल रिवेन्यू के हेल्प से। अभी आपको नेक्स्ट क्या निकालना है, आपको टोटल कॉस्ट गिवन है, आपको मार्जिनल कॉस्ट निकाल के दिखानी है, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट निकाल देंगे, ठीक है। गिवन इधर कुछ नहीं है, आपको जो आपका जो स्केड्यूल है वो आपको याद रखना पड़ेगा, अगर आपको अप्रोच जो है दिखानी है तो आपको जो है मार्जिन को जो आपका ये क्या है, आपको चाहे तो आप टोटल कॉस्ट टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट को याद कर लीजिए, अगर आपको सारा याद होता है तो आप सारा याद कर लीजिए इसको, ठीक है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट को याद कर लीजिए, आपको इजिली याद हो जाएंगे, उसके हल से आपको एग्जाम के अंदर मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट को निकाल के आ जाइए, ठीक है। अगर हम देखेंगे टोटल कॉस्ट आपका कितना गिवन है, 6 11 15 20 26, ये आपको याद रखना है। मार्जिनल कॉस्ट निकालते हैं, मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, मार्जिनल कॉस्ट आपका क्या फॉर्मूला होता है, इजी है, सेम ही फॉर्मूला होता है, मार्जिनल को आर की जगह सिर्फ इधर क्या आने वाला है, कॉस्ट आने वाला है, आर किधर क्या आने वाला है, कॉस्ट आने वाला है। निकाल के देख लेते हैं, मार्जिनल कॉस्ट एन माइनस इक्वल टू में टोटल कॉस्ट एन माइनस में टोटल कॉस्ट एन माइनस में वन होने वाला है। फिर क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट हम किसकी बात करें, इधर वन की बात करें, नंबर कितना आपका वन है, कितना इधर इधर क्या आपका टोटल कॉस्ट वन है, माइनस में टोटल कॉस्ट एन माइनस वन मीन वन माइनस वन हो जाए तो जीरो हो जाएगा टोटल कॉस्ट, ठीक है। फिर ऐसे ही आप निकाल दोगे, टोटल कॉस्ट आपका कितना गिवन है, 6 है, 6 के अंदर से 0 को माइनस करोगे तो आपको कितना आने वाला है, 6 आने वाला है। मार्जिनल कॉस्ट आप इजीली निकाल दोगे, ऐसे ही निकालना है आपको, ठीक है, सेम फॉर्मूला है, थोड़ा सा डिफरेंस है। फिर कैसे निकालने वाले, 11 के अंदर से 6 को माइनस कर दोगे तो 5 आ जाएगा, 15 के अंदर से 11 को माइनस कर दोगे तो 4 आ जाएगा, 20 के अंदर से 15 को माइनस कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा,
ऐसे 26 के अंदर से 20 को माइनस कर दोगे तो 6 आ जाएगा, आपको मार्जिनल कॉस्ट भी निकल के आ गया, ठीक है, आपका मार्जिनल रेवेन्यू भी निकल के आ गया। अभी हमको देखना है एक ऐसा कॉम्बिनेशन देखना है जहां पर आपका जो प्रोड्यूसर है वो क्या रहा है, इक्विलिब्रियम पर हो रहा होगा। ये कौन सी कंडीशन आपका इक्विलिब्रियम पर कब होता होगा, जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर कब आता है, आपका जब मार्जिनल रिवेन्यू जो है वो किसके इक्वल हो जाए, मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल हो जाए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कब है आपका जो मार्जिनल रिवेन्यू, कब आपका जो मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू में है, इधर 8 है इधर 6 है, क्या है इक्वल टू में तो नहीं है, इधर 6 है इधर 5 है इक्वल टू में नहीं है, इधर 4 है इधर 4 है, क्या इक्वल टू में है, मीन्स यहाँ पर जो आपका प्रोड्यूसर वो क्या है इक्विलिब्रियम पर है। लेकिन आपको फिर भी आपको नेक्स्ट भी देखना पड़ेगा कहीं आगे वाला भी आपका जो प्रोड्यूसर है प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम पर तो नहीं आ रहा है, अगर आगे वाली यूनिट्स पे अगर आपकी मैच कर रही होती तो आपको उसको भी देखना पड़ता, उसको भी क्या करना पड़ता, उसको भी देखना पड़ता, ठीक है। लेकिन इसके इस केस के अंदर आपको क्या है सिंपली आपको गिवन आपको ये मिल गया 4 = 4 होगा तो मीन्स ये क्या होगा आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर आ गया है, क्योंकि आपको और कोई गिवन नहीं है, 4 = 4 आपको और कोई गिवन नहीं है तो आप क्या है ये आपका इक्विलिब्रियम है। लेकिन आपकी सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन भी आपको मीट करनी पड़ेगी। सेकंड कंडीशन क्या थी आपकी, जब आपका मार्जिनल रिवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल आ जाए उसके बाद में आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो हमको ग्रेटर दिखनी चाहिए, किसके मार्जिनल रिवेन्यू से। तो हम देख लेते हैं आपकी मार्जिनल कॉस्ट क्या है, इधर आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर है उससे आगे आपका क्या मार्जिनल कॉस्ट क्या है बढ़ती हुई दिख रही है हमें, क्या है 5 है, किससे ग्रेटर कितना है आपका मार्जिनल रिवेन्यू से, क्या है ग्रेटर है मार्जिनल कॉस्ट, मीन्स ये क्या आपका ये जहां पर 4 = 4 है ये आपका जहां पर प्रोड्यूसर क्या आपका इक्वल क्या इक्विलिब्रियम पर होने वाला है, ठीक है। इस पॉइंट पर आपका क्या होने वाला है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर होने वाला है। अभी आपको बताना है कि आपको कौन सी कैसे आपका कहां पर आपका जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर, तो आप क्या बताने वाले हो, आप बताने वाले हो जब आपकी आउटपुट जो है 3 था और आपका प्राइस जो है 6 था, इस पॉइंट पर आपका जो है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर होने वाला है। क्यों होने वाला, क्योंकि यहाँ पर आपका जो प्रोड्यूसर है उसको क्या मिल रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है। प्रॉफिट देख लेते हैं, प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, टोटल रिवेन्यू के अंदर से माइनस कर देंगे टोटल कॉस्ट को, 8 - 6 = 14 - 11 8 - 15 - 20 - 20 - 26 निकल गया आपका ये प्रॉफिट आपका निकल गया ऐसे 2 - 3 - 3 - 0 - 6। अभी हम देखते हैं इस पॉइंट के ऊपर क्या 3 जब आपका आउटपुट 3 है और प्राइस आपका 6 है, इस पॉइंट पर आपका जो प्रॉफिट है कितना है 3 है, ये क्या मैक्सिमम प्रॉफिट है, कैसे मैक्सिमम पता चल गया इधर 2 है फिर 3 है। अभी आप बोलोगे इधर मैक्सिमम पर क्यों नहीं है, इधर मैक्सिमम क्यों नहीं है, क्योंकि आपको देखना है कि इससे आगे वाला भी तो 3 है, इससे आगे वाला भी 3 है, अगर इससे आगे जो आपका प्रोड्यूसर का जो प्रॉफिट है अगर इससे आगे 3 की जगह इधर 2 हो जाता तो आपका जो आपका प्रॉफिट मैक्सिमम वो आपको इधर मिल रहा होता, ठीक है, इस 3 पर मिल रहा होता, लेकिन आगे भी आपका सेम ही है। तो आपको क्या देखना है, आपको देखना कि जहां पर आपका प्रॉफिट है मैक्सिमम हो रहा है कब देख कैसे हो रहा है, जब आपका प्रॉफिट 3 हो इधर, अगर आपके इधर प्रॉफिट 3 है उससे आगे वाला पॉइंट आपको देखना है कि उससे आगे वाला पॉइंट उस पॉइंट से कम है या फिर नहीं वैल्यू के अंदर। तो इस 3 के आगे आपका क्या है 0 आ गया, फिर -6 आ गया, मीन्स यहाँ पर क्या है आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है प्रोड्यूसर को। आई होप आपको जो है ये क्लियर होगा, ये स्केड्यूल क्लियर होगा। अब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है उसकी, आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कब होता है जब मार्जिनल रिवेन्यू क्या है इक्वल टू में हो मार्जिनल कॉस्ट के। हम कौन से मार्केट की बात कर रहे हैं, इंपरफेक्ट मार्केट की बात कर रहे हैं, जहां पर आपका जो प्राइस है क्या रहा है फॉल हो रहा है राइशिंग आउटपुट में। अगर आपका आउटपुट बढ़ता जा रहा है तो आपका जो प्राइस है वो क्या होता जा रहा है कम होता जा रहा है, तो हमको प्राइस जो कम होता हुआ दिखाना पड़ेगा। कम होता हुआ कैसे दिखाएंगे, क्योंकि आपका कम हो रहा है तो आपका क्या होने वाला है डाउनवर्ड स्लोपिंग होने वाला है, मार्जिनल रिवेन्यू आपका क्या होने वाला है डाउनवर्ड स्लोपिंग होने वाला है, ठीक है। इधर आपने एमआर क्यों लिखा, मार्जिनल रिवेन्यू इसलिए लिखा क्योंकि आपका प्राइस इक्वल टू में एवरेज रिवेन्यू इक्वल टू में मार्जिनल रिवेन्यू होता है, ठीक है। तो आप जो प्राइस लाइन आप दिखा रहे हैं उसी को हम क्या दिखा उसी को हम कैसे दिखाते हैं मार्जिनल रिवेन्यू दिखाते हैं, ठीक है। जो आपकी प्राइस लाइन होती है वो आपकी मार्जिनल रिवेन्यू भी होती है। अभी हमने मार्जिनल रिवेन्यू दिखा दिया डाउनवर्ड स्लोपिंग होता हुआ, फिर हम देख लेते हैं आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कब इंटरसेक्ट कर रही है आपके मार्जिनल रिवेन्यू को, कब आपको कट कर रही है, जहां पर आपका जो प्रोड्यूसर है क्या मिल रहा है आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है प्रोड्यूसर को। अभी आपका ये 5 पॉइंट है, वैसे तो इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, आपको सिंपली बस याद रखना है यू शेप में होना चाहिए, ठीक है। कैसे होना चाहिए, आपका यू शेप के अंदर होना चाहिए मार्जिनल कॉस्ट, आपको इस पॉइंट को बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अंदर दिखा दिया है तो आपने देख लिया, ठीक है, इसके अंदर आपने दिखा दिया तो फिर क्या होगा, इसके अंदर देख लिया, ठीक है। लेकिन यह क्या है, हमने जो स्केड्यूल पढ़ा था उसके अंदर सिर्फ क्या था, ओनली हमें एक ही पॉइंट देखने को मिला था जहां पर आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कट कर रही थी मार्जिनल रिवेन्यू को, ठीक है। तो एक पॉइंट कौन सा, ये ई पॉइंट होने वाला है, ठीक है। अभी हम देख लेते कैसे, अभी आपने देखा कि अगर आपको डिफरेंस दिखाना है इन दोनों पॉइंट के बीच का तो आपने क्या दिखा दिया, आपने दोनों पॉइंट दिखा दिए,
इधर आपने एफ दिखा दिया, आपने इधर क्या दिखा दिया, ई दिखा दिया, लेकिन हमने स्केड्यूल के अंदर नहीं दिखाता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अभी हमने देखा कि एफ, हमें एफ पॉइंट जो है यहाँ पर आपको क्या रहा है, आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कट कर रहा है किसको, मार्जिनल रिवेन्यू को। ठीक है, मार्जिनल रिवेन्यू को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। लेकिन आपको देखना कि आपकी जो यहाँ पर सेकंड कंडीशन मीट हो रही है, फिर आपकी फर्स्ट कंडीशन तो मीट हो गई है, मार्जिनल रिवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट हो गया, सेकंड रिवेन्यू आपकी क्या थी, जो मार्जिनल कॉस्ट वो हमको क्या दिखनी चाहिए, हमको ग्रेटर दिखनी चाहिए, किससे, मार्जिनल रिवेन्यू से। ठीक है, अभी मार्जिनल रिवेन्यू से तो आपको कम ही दिख रही है मार्जिनल कॉस्ट, इधर इस पॉइंट पर क्या दिख रही है आपको, मार्जिनल रिवेन्यू से आपकी क्या दिख रही है, कम दिख रही है मार्जिनल कॉस्ट। लेकिन कंडीशन क्या बोलती है, मार्जिनल रिवेन्यू से ज्यादा दिखनी चाहिए हमें मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट तो आपका इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता एफ पॉइंट, तो जो ई पॉइंट है ये आपका क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट होने वाला है। क्यों होने वाला है, क्योंकि इसके बाद में जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज नहीं हो रही है, इंक्रीज हो रही है। आई होप आपको क्लियर होगा, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपको क्लियर हो गई है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट इज टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच। अभी हमने क्या पढ़ा था, मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच पढ़ा था, अब हम टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच पढ़ रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू स्टेज ऑफ डेट आउटपुट लेवल एट विच द डिफरेंस बिटवीन टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट इज पॉजिटिवली मैक्सिमाइज्ड एंड टोटल प्रॉफिट फॉल एज मोर यूनिट ऑफ आउटपुट आर प्रोड्यूस्ड। अभी इसके अंदर क्या बोला गया कि आपका जो जितना टोटल रिवेन्यू है उसके अंदर से अगर माइनस करते हैं टोटल कॉस्ट को, अगर हम देखते हैं कि जो आपका टोटल रिवेन्यू आ रहा है किस आ रहा, आपका टोटल रिवेन्यू कैसे आता है, प्राइस मल्टीप्लाई में क्वांटिटी करके आता है। ठीक है, तो टोटल रिवेन्यू हम अगर निकाल दें, अगर हम देखें कि आपकी जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 10 है, उस क्वांटिटी का प्राइस कितना है, 10 है। ठीक है, आपका कितना आ गया मल्टीप्लाई में, आपका टोटल रिवेन्यू कितना आ गया, 20 आ गया, लेकिन आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो 10 ही लग रही है, ओनली क्या लग रही है, 10 लग रही है। ठीक है, उस एक जो प्रोडक्ट आपने बनाया, जितने आपने क्वांटिटी क्या करी है, प्रोड्यूस की है, उसकी टोटल कॉस्ट आपकी 10 आ रही है, लेकिन आपका टोटल रिवेन्यू कितना आ रहा है, आपका 20 आ रहा है। ठीक है, आपका कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। अभी मैं 20 के अंदर से माइनस कर देंगे, आप 10 को माइनस कर देंगे, तो आपका कितना आने वाला है, 10 आने वाला है। जो इनका डिफरेंस आया टोटल रिवेन्यू का, टोटल कॉस्ट का जो डिफरेंस आया है वो क्या हमें दिख रहा है, हमको पॉजिटिव दिख रहा है ना, हमको क्या दिख रहा है, प्लस 10 दिख रहा है, मीन से क्या, आपका पॉजिटिव डिफरेंस आपको दिख रहा है। तो इस जो इस अप्रोच के अंदर हम यही बताने वाले कि आपको जो जो आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होने वाला है वो एक ऐसी स्टेज पर होने वाला है जहां पर जो आउटपुट लेवल है उनके इनके बीच का टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट के बीच का क्या आने वाला, पॉजिटिवली मैक्सिमाइज होने वाला, पॉजिटिवली क्या आने वाला, मैक्सिमाइज होने वाला है। ठीक है, अभी हमने इधर एक ही क्या देखा, हमने एक ही देखा, सिर्फ 10 का एग्जांपल देखा, लेकिन आपका टोटल रिवेन्यू क्या है, इधर क्या होने वाला है, बढ़ता भी होने वाला है, बढ़ने भी वाला है। ठीक है, अगर हम देखेंगे ऐसे 30, 40, 50 और टोटल कॉस्ट आपकी 10, 10 और 10। ठीक है, अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको क्या देखना है, सबसे मैक्सिमम पॉइंट देखना, जहां पर आपका सबसे मैक्सिमम पॉइंट आ रहा है ना, जहां पर आपका जो सबसे मैक्सिमम डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है वो आपको क्या होने वाला है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होने वाला है, जहां पर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है। अभी हम अगर देखिए, हम 20 को 20 माइनस 10 करें तो आपको 10 आ रहा है, टोटल क्या आ रहा है, 10 आ गया आपका जो आपका डिफरेंस आ कितना, पॉजिटिव 10 आ गया। 30 माइनस 10 कर देंगे तो आपका 20 आ गया पॉजिटिव, फिर 40 माइनस 10 कर देंगे तो आपका 30 आ गया, फिर 50 माइनस 10 कर देंगे तो आपका 40 आ गया। जो कि 40 आया ये क्या, इधर आपको क्या मिल रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये क्या आ गया आपका, 40 जो है आपका क्या होने वाला है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होने वाला है। आई होप आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अभी हम इसका नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट इज सो टू एसेंशियल कंडीशन फॉर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आर। इसके अंदर भी क्या होने वाले, दो कंडीशंस होने वाले हैं, जैसे कि हमने मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट वाले अप्रोच के अंदर पढ़ लिया दो कंडीशंस, इसके अंदर भी ऐसी कंडीशन होने वाले, क्या कंडीशन होने वाले है, द डिफरेंस बिटवीन टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट इज पॉजिटिवली मैक्सिमाइज होने वाला है। अभी हमने ऊपर देखा कि जो आपका जो डिफरेंस होने वाला है, मीन 50 माइनस 10 किया तो ये आपका 40 जो आपका डिफरेंस आया है ये क्या होने वाला है, तो पॉजिटिव होने वाला है, और ये क्या होने वाला, सबसे मैक्सिमम पॉइंट होना चाहिए। इससे ऊपर तो आपको कितना मिल रहा था, 30 मिल रहा है, कितना मिल रहा था, 30 मिल रहा था, फिर 20 मिल रहा था, फिर 10 मिल रहा था, लेकिन ये क्या था आपका सबसे मैक्सिमम था, कितना था आपका सबसे मैक्सिमम था। तो यही बोल रहा है क्या कंडीशन है, एक तो सबसे मैक्सिमम होना चाहिए और एक पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इजीली समझ में आ गया आपको, ठीक है, ये कंडीशन तो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। सेकेंड कंडीशन क्या आपकी, टोटल प्रॉफिट फॉल आफ्टर द लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, जब आपका आउटपुट जो आपकी ये कंडीशन फुलफिल हो गई है उसके बाद में आपका जो टोटल प्रॉफिट है
वो हमको गिरता हुआ दिखना चाहिए। टोटल प्रॉफिट क्या होना चाहिए आपको, गिरता हुआ दिखना चाहिए। क्यों गिरता हुआ दिखना चाहिए? अभी मगर देखिए, जब आपका टोटल रिवेन्यू क्या था, टोटल कॉस्ट के इक्वल आ जाता है, जहां पर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा होता है, आपका टोटल रिवेन्यू जो है इक्वल टू में आ गया टोटल कॉस्ट के, ठीक है। अभी आपका जो प्रोड्यूसर है वो क्या लेगा, रिस्क लेगा, या फिर आपका प्रोड्यूसर जो आपका रिवेन्यू को क्या करना चाहेगा, बढ़ाना चाहेगा, आपके रिवेन्यू को क्या करना चाहेगा, बढ़ाना चाहेगा, ठीक है। अगर आपको अपने रिवेन्यू को इंक्रीज करने लग जाएगा तो उसकी टोटल कॉस्ट क्या होने वाली, कम होने वाली है। इंक्रीज करेगा टोटल आपका रिवेन्यू, अगर उसकी टोटल कॉस्ट कम होगी तभी तो उसका जो टोटल रिवेन्यू क्या होने वाला, इंक्रीज होने वाला है। लेकिन हमको इसीलिए बोला गया जो उसका प्रॉफिट है, अगर आपको पता गया उसका क्या होगा रिवेन्यू, अगर वो बढ़ाता जाएगा मीन्स क्या है, वो प्रोडक्शन जो इंक्रीज करता जाएगा, प्रोडक्शन इंक्रीज करता जाएगा तो एलवीपी लागू हो जाएगा, आपका जो लोग वेरिएबल प्रोपोर्शन वो लागू हो जाएगा, मीन्स वेरिएबल फैक्टर क्या हो जाएंगे, बढ़ाते जा रहे हैं हम, और जो आपका जो फिक्स्ड फैक्टर वो क्या है, सिंपल एक ही है, कॉन्स्टेंट है, तो उसके कारण आपका क्या होने वाला था, आपका प्रॉफिट जो है क्या होने लग जाएगा, फॉल होने लग जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा बिकॉज ऑफ एलवीपी लो वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से। अभी हम नेक्स्ट इसका देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट, जब प्राइस क्या रहता है, सेम रहता है। इसके अंदर भी भाई परफेक्टली कंपटीशन मार्केट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं आउटपुट क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 प्राइस आपका क्या रहने वाला, कॉन्स्टेंट रहने वाला। कॉन्स्टेंट क्यों रहने वाला है, बिकॉज ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिशन मार्केट, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट है तो प्राइस क्या रहने वाला है, मार्केट डिसाइड करते हैं तो क्या रहने वाला है, कॉन्स्टेंट रहने वाला है। फिर हमें टोटल रिवेन्यू आपको याद रखना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट भी आपको याद रखना पड़ेगा, फिर उनके बीच का आपको डिफरेंस दिखाना पड़ेगा प्रॉफिट निकालने के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं टोटल रिवेन्यू आपको कितना है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 टोटल कॉस्ट आपकी कितनी है 5, 8, 15, 21, 31, 42 और 54, ठीक है। अभी हमको क्या निकाल देना है, अभी हमको सिंपली निकाल देना है आपका प्रॉफिट, आपको क्या निकालना है, आपका सिंपली प्रॉफिट निकाल के दिखा देना है, ठीक है। अभी हम प्रॉफिट निकाल के दिखा देते हैं, प्रॉफिट आपको निकालेंगे कितना, टोटल रिवेन्यू के अंदर से माइनस करने वाले हैं टोटल कॉस्ट को, टोटल रिवेन्यू के अंदर से हम क्या माइनस करने वाले हैं, टोटल कॉस्ट को माइनस करने वाले हैं। तो 0 - 5 - 5, 10 - 8, 2, 20 - 15, 5, 10, 30 - 21, 9, 40 - 31, 9, ठीक है। फिर ऐसे 50 - 40, 42, 8, 60 - 52, 54, 6, ठीक है। अभी मेरे से एक गलती क्या हुई है, मैंने आपको बोला है कि आपका जो टोटल रिवेन्यू क्या होने वाला है, इक्वल टू में होने वाला है कॉस्ट के, ऐसा नहीं होने वाला है, इक्वल टू में नहीं होने वाला, जो टोटल रिवेन्यू आपको माइनस करना, टोटल रिवेन्यू के अंदर से हमको माइनस करना है टोटल कॉस्ट को। क्यों माइनस करना है, क्योंकि हमें इनके बीच का डिफरेंस दिखाना है। डिफरेंस क्या होता है, आपको प्रॉफिट होता है। अगर टोटल रिवेन्यू आप माइनस करते हैं टोटल कॉस्ट के अंदर, टोटल कॉस्ट को माइनस करते हैं टोटल रिवेन्यू के अंदर से, तो आपको क्या आता है, आपका प्रॉफिट निकल के आ जाता है। क्या निकल के आ जाता है, प्रॉफिट निकल के आ जाता है। जिस पॉइंट पर आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम पर होता है, मैक्सिमम पॉइंट पर आपका जो प्रॉफिट होता है उस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। जहां पर उसका प्रोड्यूसर को प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा होगा वहां पर क्या होगा, आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर होगा। जो आपका टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट के अंदर आपको ये सिंपली याद रखना है, इसके अंदर आपका जो टोटल रिवेन्यू वो कभी भी इक्वल नहीं होने वाला, किसके, टोटल कॉस्ट के कभी भी इक्वल नहीं होने वाला है। वेयर एज जहां पर मार्जिनल रिवेन्यू इक्वल हो सकता था, किसके, मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल हो सकता था, ठीक है। लेकिन आपका टोटल रिवेन्यू कभी भी इक्वल नहीं होगा, किसके, टोटल कॉस्ट के। अभी हम स्केड्यूल देखा था, स्केड्यूल के अंदर हमको प्रॉफिट देख लेते हैं। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कब होने वाला आपका, जब आपका प्रॉफिट जो है मैक्सिमम पॉइंट पर होने वाला है, मैक्सिमम पॉइंट पर होने वाला, तब आपका क्या होने वाला, प्रोड्यूसर जो है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर होने वाला है। अभी आपको सिंपली याद रखना है, जो आपका टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच है वो हम किसके बेसिस पर निकालते हैं, प्रॉफिट के बेसिस पर निकालते हैं। जितना ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा, सबसे मैक्सिमम पॉइंट पर जब आपका प्रॉफिट होगा तभी आपका प्रोड्यूसर जो है इक्विलिब्रियम पर होगा। लेकिन जब हमने मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच पढ़ी थी, उसके अंदर हमने देखा था कि जो मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट है वो इक्वल टू में होने चाहिए, आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी आपका जो प्रोड्यूसर वो इक्विलिब्रियम पर होने वाला है। इसके अंदर सिर्फ हमको याद, इसके अंदर हमको सिर्फ देख लेना है आपका जो प्रॉफिट है वो किस पॉइंट पर आपका सबसे मैक्सिमम है, वही आपका पॉइंट क्या होने वाला, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट होने वाला है। देख लेते हैं, -5, 2, 5, 9, ये क्या है, प्रॉफिट राइजेस विद इंक्रीजिंग इन आउटपुट। जब आपका जो आउटपुट हम इंक्रीज करते जा रहे थे 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये जब आपका प्रॉफिट क्या हो रहा था, आपका राइज हो रहा था, प्रॉफिट भी आपका राइज हो रहा था जब तक आपका आउटपुट जो बढ़ रहा था। अभी आपका प्रॉफिट कितना था, फिर से 9 आ गया, कॉन्स्टेंट आ गया, 9 और 9 आ गया,
ठीक है। अभी आप बोलोगे ये वाला भी तो प्रोड्यूस डायरेक्टली इनपुट में हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इस पॉइंट के आगे आपका जो प्रॉफिट है वो क्या रहा, कम नहीं हो रहा। आपका प्रॉफिट क्या रहा है, कम नहीं हो रहा है। अगर आपका जो प्रॉफिट है वो कम हो रहा होता इस पॉइंट के आगे, 9 के आगे इधर आपका 8 आ जाता, तो आपका ये वाला पॉइंट जो आपको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हो जाता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो आपका प्रॉफिट इक्विलिब्रियम पर, आपका जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर कब होने वाला, जब ये नेक्स्ट 9 है इस पर होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि हमने देखा था कि आपकी जो सेकंड सिचुएशन थी वो क्या थी, आपका जो प्रॉफिट है फिर डिक्लाइन होता हुआ हमें दिखना चाहिए। उसका क्या क्या होता है दिखना चाहिए, डिक्लाइन होता हुआ दिखना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन थी आपकी, फर्स्ट कंडीशन तो थी हमें हमें क्या मेट करना, आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो देखना है कहां पर है। सेकंड कंडीशन थी कि उसके आगे जो आपका प्रॉफिट है कम होता हुआ दिखना चाहिए, कम होता हुआ दिख रहा है। 9 के आगे 8 आ गया, 8 से आगे 6 आ गया, तो प्रॉफिट क्या हो रहा है इधर, कम हो रहा है। मीन्स ये जो 9 आया है आपका, ये क्या ये कौन सी सिचुएशन है, ये आपकी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। ठीक है, अभी आप कैसे डिफाइन करोगे इसको बताओगे कैसे, जब आपका आउटपुट 4 है और आपका प्राइस कितना 10 है, उस पॉइंट पर क्या आ रहा है, जब आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है, 9 प्रॉफिट आ रहा है। इस पॉइंट पर आपका जो प्रोड्यूसर वो क्या है, इक्विलिब्रियम पर होने वाला है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए तो क्या है, सिंपली याद रखना है, व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट, मींस हम किसकी बात कर रहे हैं, परफेक्टली कंपटीशन मार्केट की बात कर रहे हैं। जब आपके परफेक्टली कंपटीशन मार्केट के अंदर आपका जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होने वाली है, ग्राफ के ऊपर हम कैसे दिखाने वाले हैं। अभी आपका जो टोटल रेवेन्यू वो क्या है, अपवर्ड होने वाला है, अपवर्ड स्ट्रेट लाइन होने वाली है। अपवर्ड क्या होने वाली है, स्ट्रेट लाइन होने वाली है। क्यों स्ट्रेट लाइन होने वाली है, क्योंकि जो आपका टोटल रेवेन्यू वो किस रेट पर इंक्रीज हो रहा है, आपका कॉन्स्टेंट रेट पर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, कॉन्स्टेंट रेट कैसे इंक्रीज हो रहा है, अगर आप देखिए तो कॉन्स्टेंट रेट क्या आपका 0 से 10 जा रहा है। 10 मीन्स 10 का जो आपका डिफरेंस देखने को मिल रहा है आपको, फिर 10 से क्या जा रहा है, 20 जा रहा है। 10 से क्या जा रहा है, 20 का, फिर से 10 का डिफरेंस देखने को मिला। फिर 20 से 30 का फिर से 10 का डिफरेंस देखने को मिला। 30 से 40 का फिर से 10 का डिफरेंस, 40 से 50 का फिर से 10 का डिफरेंस, 50 से 60 का 10 का डिफरेंस। तो कॉन्स्टेंट रेट आपका कितना, 10 है। तो इसीलिए आपका जो टोटल रिवेन्यू कर्व है वो कैसा होने वाला, स्ट्रेट लाइन होने वाला है, स्ट्रेट लाइन अपवर्ड होने वाला है, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट रेट से क्या इंक्रीज हो रहा है। आई होप आपका जो टोटल रिवेन्यू कर्व जो समझ में आ गया। अब आप टोटल कॉस्ट कर्व देखेंगे तो हमने कॉस्ट वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि जो आपका टोटल कॉस्ट का कर्व होता है वो कैसा होता है, आपका उल्टा एस कर्व होता है। ये आपको सिंपली याद रखना है, उल्टा एस आपको बना के आना है। ठीक है, अभी हम इसके अंदर क्या बना दिया, हमने उल्टा एस दिखा दिया, उल्टा एस दिखा दिया, लेकिन हमको सिंपली इसके अंदर क्या याद रखना है, इसके अंदर इंटरसेक्ट से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमको किससे लेना देना नहीं, अगर आपका टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू के इक्वल आ जाए, इक्वल आ जाए, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हमको तो लेना देना प्रॉफिट से, हमको किससे लेना देना, प्रॉफिट से। जहां पर आपका प्रॉफिट मैक्सिमम पॉइंट पर होगा उस पॉइंट को हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बोलने वाले हैं। हमें ये वाली सिचुएशन को नहीं कंसीडर करना है, टोटल को मैंने स्टॉक में टोटल कॉस्ट वाली कंसीडर को नहीं करना, तो उस कंडीशन को क्या करना, कंसीडर नहीं करना। हमें कंसीडर करना है मैक्सिमम प्रॉफिट वाली कंडीशन को, प्रॉफिट जब मैक्स होगा उस कंडीशन को हमें प्रेफर करना है। देख लेते हैं, टोटल कॉस्ट हमने बना दिया, उल्टा एस बना के दिखा दिया हमने। ठीक है, उल्टा एस हमने बना दिया। अभी आप अगर देखो, अभी आप अगर देखो, अगर आप इस पॉइंट के ऊपर देखो, जब आपका टोटल रिवेन्यू ये है और आपका जो आपका टोटल कॉस्ट है आपका इधर है। ठीक है, अगर आप इसको देखो तो इधर तो कोई चांस ही नहीं है। इधर क्यों चांस नहीं है, क्योंकि आपकी कॉस्ट ही ज्यादा है जब रिवेन्यू से, तो आपका प्रॉफिट तो बनना ही नहीं वाला है, क्योंकि आपकी कॉस्ट ही ज्यादा आ रही है, तो आपका प्रॉफिट तो बनेगा ही नहीं। क्योंकि अगर आप कॉस्ट के, अगर आप रिवेन्यू के अंदर से कॉस्ट को माइनस करोगे तो क्या होने वाला, अगर कॉस्ट ज्यादा है और रिवेन्यू कम है तो माइनस में आ जाएगा सिस्टम। ठीक है, तो माइनस वाले तो हम कंसीडर ही नहीं करते, हमको कैसे लेना है, पॉजिटिव लेना है और प्रॉफिट लेना है। ठीक है, अब हम देखिए तो आपकी नेक्स्ट बी के बाद में आपकी क्या आने वाली है, बी के बाद में आपकी जो ये सिचुएशन आ गई, ये जो गैप आया है, इसी के अंदर आपका क्या आने वाला, प्रॉफिट का एक क्या आने वाला, प्रॉफिट आने वाला। इसी के अंदर आपको पता चलेगा कि प्रॉफिट कहां पर होने वाला है। क्यों पता चलेगा, क्योंकि आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो क्या हो गया, कम हो गई है। किससे, टोटल रिवेन्यू से, टोटल रिवेन्यू से टोटल कॉस्ट क्या हो गया, कम हो गया है। तो अगर टोटल रेवेन्यू से अगर टोटल कॉस्ट कम होगा तो आपको पता है कि टोटल रेवेन्यू के अंदर से हम टोटल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो आपको पॉजिटिव आने वाला सिस्टम, पॉजिटिव यूनिट्स आने वाले हैं, तो पॉजिटिव यूनिट्स आएंगे तो मीन्स वो प्रॉफिट है। वो क्या है, प्रॉफिट है। तो इस पॉइंट के अंदर आपका कहीं पर भी आपका जो प्रॉफिट है वो आ सकता है, तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ध्यान से अगर आप देखोगे तो क्या, आपका ध्यान से देखोगे तो अगर आप देखो, आप लाइनिंग को ध्यान में देखिए, इधर आपकी क्या है लाइनिंग, इतनी इतनी बढ़ती जा रही लाइन्स, लाइन्स आपकी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। लाइन की जो लेंथ है, लाइन की जो लेंथ है क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। फिर एच पॉइंट के बाद में आपकी जो लाइन की जो लेंथ है वो क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। अभी हमने यही तो पढ़ा था
उसकी कंडीशन क्या थी, आपकी जो टोटल आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्स होना चाहिए, और उसके बाद में जो आपका टोटल जो आपका क्या है प्रॉफिट है वो क्या था दिखना चाहिए हमें, प्रॉफिट जो आपका कम होता हुआ दिखना चाहिए, डिक्रीज होता हुआ दिखना चाहिए। तो इस एच पॉइंट के बाद में मीन्स यहां तक आपकी जो लाइन है वो उसकी लेंथ जो थी सबसे ज्यादा आ रही है एच पॉइंट के ऊपर। फिर इस पॉइंट के बाद में आपकी लेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज होने लग गई है, मीन्स आपका जो प्रॉफिट है वो क्या होने लग गया, डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया है। तो ये एच पॉइंट क्या है आपका, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होने वाला है, मीन्स ये क्या आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है एच पॉइंट। तो आपने ये शो कर दिया है एच पॉइंट के ऊपर, हमने ये शो कर दिया, इसी को हम क्या मिलाने वाले हैं, नीचे मिला देने वाले हैं, तो क्यू पॉइंट बना देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया। आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्या लिख के दिखाना है, टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट दिखाना है वाई एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर आपको क्या दिखाना है आउटपुट दिखा देना है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। आपकी जो इमेज जो ये लाइन्स बनाई गई है डॉटेड लाइन्स है, ये क्या शो कर रही है, ये आपको पॉइंट शो कर रही है जहां पर भी आपका टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट से कॉस्ट कट कर रहा है, लेकिन आपको उसको कंसिडर नहीं करना है, आपको कंसिडर करना है किसको, प्रॉफिट को कंसिडर करना है, ठीक है। आपको किसको कंसिडर करना है, प्रॉफिट को कंसिडर करना है। तो आपको इमेजिनरी लाइन दिखा बना दी गई है ताकि आपको डिफरेंस पता चले, डिफरेंस किस में पता चले, आपको प्रॉफिट में डिफरेंस पता चले। इधर क्या है, इधर तो कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा है, आपका प्रॉफिट किधर आ रहा है, इसी लाइन के ऊपर आ रहा है, इसके बाद में भी कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा है, ठीक है। आपको कोई समझ में आ रहा है, मीन्स मैक्सिमम प्रॉफिट आपको एच पर आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या इसका स्केड्यूल है। इसका अगर हम स्केड्यूल देखें तो क्या है, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच का स्केड्यूल है आपका किसका, व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट। ये क्या है, इम्परफेक्ट मार्केट की हम बात कर रहे हैं, जहां पर आपका जो प्राइस है वो क्या है कम हो रहा है, किससे कम हो रहा है, आपके आउटपुट से। जैसे कि आपका आउटपुट जो इंक्रीज हो रहा है, आपका प्राइस क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता हुआ जा रहा है। हम देख लेते हैं आउटपुट क्या है आपका, इंक्रीज हो रहा है, जीरो से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स मीन्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसके अंदर प्राइस क्या रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। टेन से नाइन गया, नाइन से एट, एट से सेवन, सेवन से सिक्स, सिक्स से फाइव, फाइव से फोर, ठीक है। अभी आपको पता चल गया आपका प्राइस क्या रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन हमने जो ऊपर परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर पढ़ा था उसके अंदर क्या था आपका प्राइस कॉन्स्टेंट था, तो आपका डिफरेंस पता चल गया होगा। टोटल रिवेन्यू देख लेते हैं, जीरो, नाइन, सिक्सटीन, ट्वेंटी वन, ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फोर, ये आपको याद रखना है। टोटल कॉस्ट टू, फाइव, नाइन, इलेवन, फोर्टीन, ट्वेंटी, ट्वेंटी सेवन। अभी आपको सिंपली क्या निकाल देना, प्रॉफिट निकाल देना, प्रॉफिट निकालना है क्या फॉर्मूला आपका, टोटल रिवेन्यू माइनस में टोटल कॉस्ट। रिवेन्यू आपका कितना, इधर जीरो है, माइनस में करते हैं टू, तो कितना आ जाएगा आपका, माइनस टू आने वाला है, ठीक है। जीरो के अंदर से अगर आप टू को माइनस कर दो तो माइनस टू ही तो आने वाला है, आई होप आपको क्लियर होगा। फिर देखते हैं नाइन माइनस में फाइव कर दो तो कितना आ जाएगा, फोर आ जाएगा। फिर सिक्सटीन माइनस नाइन कर दो तो कितना आ जाएगा, सेवन आ जाएगा। फिर ट्वेंटी वन माइनस में इलेवन कर दो तो कितना आ जाएगा, टेन आ जाएगा। अभी ये जो सिचुएशन है इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रॉफिट राइज विद इंक्रीज इन आउटपुट। आपका आउटपुट बढ़ता जा रहा है तो आपका प्रॉफिट भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। बढ़ता कैसे जा रहा है, आपका पहले माइनस टू था, फिर फोर हुआ, फिर सेवन हुआ, फिर टेन हुआ, मींस इंक्रीज ही तो रहा है। फिर इसके बाद में क्या है, आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम सिचुएशन पर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, इससे आगे आपका क्या होगा, कॉन्स्टेंट हो गया आपका जो प्रॉफिट है, टेन ही आ गया है, ठीक है। अभी आप कुछ अभी आप बोलोगे कि ये वाला इस कंडीशन पर आपका प्रॉफिट क्यों, आपका जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर क्यों नहीं है, क्योंकि आपको याद रखना है जो आपकी सेकंड कंडीशन भी क्या थी, सेकंड कंडीशन थी उसके बाद में आपका जो प्रॉफिट है वो क्या होता हुआ दिखना चाहिए, वो कम होता हुआ दिखना चाहिए, ना कि कॉन्स्टेंट होता हुआ दिखना चाहिए। अभी अगर हम इसको इसको हम प्रोड्यूसर क्या मानते हैं, इसका हम प्रोडक्शन वो मानते हैं, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम मानते हैं, तो इससे आगे तो आपका क्या रहा है, कॉन्स्टेंट हो गया, कम तो हो नहीं रहा है, तो इसीलिए आपका ये क्या है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर नहीं है। नेक्स्ट क्या आपका टेन है, आपको प्रॉफिट मैक्सिमम मिल रहा है, एक तो इधर मैक्सिमम मिल रहा था, एक इधर मैक्सिमम मिल रहा था, लेकिन ये वाला जो पॉइंट क्या होने वाला है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होने वाला है। क्यों होने वाला, क्योंकि इससे आगे आपका जो है प्रॉफिट क्या होने लग गया, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया, मीन्स डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो ये क्या की प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर हो गया, आपका प्रोड्यूसर क्या है इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है इस पॉइंट के ऊपर। तो आप इसको कैसे बताओगे, आपका जब आउटपुट फोर था तो आपका प्राइस सिक्स था, जब आपका आउटपुट क्या था, आउटपुट फोर था और आपका प्राइस सिक्स था, ठीक है। उस पॉइंट पर हमको क्या मिल रहा था, प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा था, तो इसलिए वो क्या है, प्रोड्यूसर अपने इक्विलिब्रियम पर था, ठीक है। आपका प्रोड्यूसर क्या था, इक्विलिब्रियम पर था, आपको कोई समझ में आ गया होगा। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, वही है जो टोटल रिवेन्यू है। इसके अंदर क्या आपका टोटल रिवेन्यू क्या होने वाला है, स्ट्रेट लाइन नहीं होने वाला। क्यों स्ट्रेट लाइन नहीं होने वाला है, क्योंकि आपका जो डिफरेंस है, जो आपका रेट है, आपको क्या दिख रहा है, कॉन्स्टेंट रेट से तो नहीं दिख रहा है टोटल रिवेन्यू। आपको कैसे दिख रहा है, आपको पहले इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, फिर डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है टोटल रिवेन्यू। आई होप आपको समझ में आया होगा। उस पॉइंट के अंदर आपको क्या दिख रहा था, परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर, क्योंकि आपका प्राइस जो था
वो कॉन्स्टेंट था, तो प्राइस जो था आपका कॉन्स्टेंट था, तो इसीलिए आपका जो टोटल रेवेन्यू था वो कॉन्स्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा था। लेकिन अभी आपका प्राइस जो है क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज होता आपका डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है, आपको प्राइस क्या होता दिख रहा है, डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो इसीलिए आपका जो टोटल रेवेन्यू है वो भी आपका क्या होता दिखेगा, आपको पहले बढ़ता हुआ दिखेगा फिर डिक्रीज होता हुआ दिखेगा। ये पप्पे समझ में आ गया है, टोटल रेवेन्यू का हमने दिखा दिया है, क्या दिखा दी, ये पहले बढ़ा फिर क्या होता आपका डिक्रीज होता हुआ नीचे चला गया, मीन्स क्या होगा डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। टोटल रेवेन्यू जो समझ में आ गया था। फिर हमको क्या याद रखना, टोटल कॉस्ट क्या होता है, उल्टा एस होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट हमें क्या मिल रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ मिल रहा है, और सेकंड कंडीशन क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट क्या मिल रहा है, पॉजिटिव प्रॉफिट मिल रहा है, और उसके सेकंड कंडीशन आपकी है आपका प्रॉफिट डिक्लाइन होता हुआ हमें दिखना चाहिए, ठीक है। अभी हम अगर ये पॉइंट देखें तो इस पॉइंट के अंदर तो आपका प्रॉफिट हो ही नहीं सकता, क्यों प्रॉफिट नहीं हो सकता, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर तो आपकी जो टोटल कॉस्ट है वही आपकी ज्यादा प्रॉफिट से, आपके रिवेन्यू से वही आपकी ज्यादा है टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो ये आपका क्या होने वाला है, ये आपका नहीं हो सकता मैक्सिमम प्रॉफिट, या प्रॉफिट ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर, तो ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या दिख रहा है, कहाँ पर आपको गैप देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपकी जो टोटल कॉस्ट है क्या होने वाली, कम आ गई है, यहाँ पर आपकी टोटल कॉस्ट क्या गया, कम आ गई है, किससे कम आ गया, टोटल रिवेन्यू से कम आ गई है। तो ये क्या आप देखेंगे, अगर आप इसको लाइनिंग लगा के देखो तो लेंथ क्या आपकी इंक्रीज हो रही, इंक्रीज हो रही, इंक्रीज हो रही, इंक्रीज हो रही, इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर आपकी क्या गया, मैक्सिमम जो लेंथ है, मैक्सिमम जो जो लाइन आपकी क्या है, मैक्सिमम इंक्रीज हो रही है, मीन ये क्या आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है। यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, प्रोड्यूसर का मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है, कौन से पॉइंट के ऊपर, एच पॉइंट के ऊपर। आई होप आपको समझ में आ गया, एच पॉइंट के ऊपर क्या आपका प्रोड्यूसर क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएगा। क्यों इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है, उसके एक सेकंड कंडीशन क्या थी, उसके बाद में आपको जो प्रॉफिट हो क्या दिखना चाहिए, आपको कम होता हुआ दिखना चाहिए, तो कम होता हुआ दिख रहा है हमें, आपकी जो लाइनिंग हो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, लेंथ के अंदर क्या होती जा रही है, कम होती दिखाई दे रही है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, आपका प्रोड्यूसर क्या होता है, इक्विलिब्रियम पर होता है, ठीक है, इसके अंदर भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। अभी हमने इस वीडियो के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट कवर किए हैं, हमने कवर किया है जो कि टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू का अप्रोच किया है, मार्जिन रेवेन्यू, मार्जिन कॉस्ट के अप्रोच किया है, और हमने क्या किया है, हमने कंडीशन देखी है सारों की, हमने जो प्रॉफिट क्या होता है वो देखा है, ठीक है। हमको पता चल गया उनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, वो हमको पता चल गया है। आई होप आपको जो सारे टॉपिक्स जो है हमने आज इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं ये सारे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।